गुड मॉर्निंग एवरीवन, सब भालो भालो। पीछे वाली स्क्रीन काम नहीं कर रही और ये भी काम नहीं कर रही है ना, तो आप में से जिनको सपोर्ट लेते हो आप, या तो आप आगे आके बैठ जाना ठीक है, या आप वहां से कंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं आप, ठीक है, क्लियर ना। अरे है ना, तो एक बार अपने ऑनलाइन स्टूडेंट्स को देख ले हम, प्रियंका, स्वप्निल, कमल, फरहद और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, सभी को गुड मॉर्निंग है एक बार, है ना। तो हम लोग आज एक नई शुरुआत करेंगे, है ना, और पीछे वाली क्लास को थोड़ा मैं ब्रीफ कर देता हूं आपको। आज कुछ ना बैलेंस सा वो दिखाई नहीं पड़ रहा रवि ना, मतलब अभी खाली सा लग रहा है मतलब पूरा, तो धीरे धीरे क्लास के समझ में आएगी। इधर भी कुछ बैलेंस होता था ठीक है वो। अच्छा, हम काफी टाइम बाद इसलिए बैलेंस बिगड़ा हुआ है, ठीक है ना, सब ठीक हो जाएगा अभी, है ना। कुछ सीक्रेट बातें ना क्लास के बाद बताया करेंगे सबको हम, ठीक है ना, अपने आप सब क्लास में आने लगेंगे, ठीक है। हम लोग जो ये क्लास हमारी चल रही है, ये एंसेंट और मेडिवल हिस्ट्री की मुख्यतः क्लास है ये, और पीटी वाले सिलेबस में आपको याद हो तो हमने बताया था कि कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है आपको, रिमेम्बर ना, कंप्लीट हिस्ट्री पढ़नी है आपको एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल में भी कंप्लीट पढ़ना है आपको, क्योंकि सिलेबस कह रहा है भारत का इतिहास पढ़ना है आपको। और जब हम कहते हैं कंप्लीट हिस्ट्री की बात करते हैं हम, तो जैसे हमने प्राचीन भारत का पूरा इतिहास अध्ययन किया है ना, तो आपको याद होगा तो जितने भी टॉपिक थे, जैसे पाषाण काल है ना, हड़प्पा सभ्यता, ताम्रपाषाण काल, वैदिक संस्कृति ठीक है, बुद्ध काल है ना, और आगे मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्य काल, प्राचीन भारत में शिक्षा, साहित्य, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। साथ साथ क्वेश्चन भी मैं आपको डिस्कस करता गया था, मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, ज्यादा संख्या है नहीं क्वेश्चंस की जो पूछी गई अभी तक, क्योंकि 2013 से ही तो ये सिलेबस में ऐड हुआ है, 13 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो साथ साथ टॉपिक वाइज मैंने आपको बताया अभी था। बट हर एक टॉपिक में आपको याद होगा, जैसे मान लो मैं हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल की बात कर रहा हूं, तो राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास। सांस्कृतिक इतिहास में क्या पढ़ते हैं ये भी आपको बताया गया था, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद स्ट्रक्चर याद रह जाए वो भी बड़ी उपलब्धि होती है। कला, धर्म, साहित्य, विज्ञान, मेन यही होता है। हम समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति को भी शामिल करते हैं उसमें, बट कला, कला के कई सारे हिस्से होते हैं ठीक है। तो इसी तरह से हमने सारे पहलू आपको एक्सप्लेन कर दिए थे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का। हमने कहा था ये तो सांस्कृतिक इतिहास है, हर एक टॉपिक में, चाहे वो मौर्य काल हो, मौर्योत्तर काल हो, गुप्त काल हो, हर एक टॉपिक में इसका महत्व है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में इससे अधिक से अधिक सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल इसी से पूछे जाएंगे। राजनीतिक इतिहास से भी सवाल है, सामाजिक से भी सवाल है, बट सांस्कृतिक इतिहास को प्रारंभिक परीक्षा में अधिक महत्व दिया जाता है। आई गया प्रारंभिक परीक्षा भी कल ही है, तो अब तक का जो ट्रेंड है उसमें एक नया ट्रेंड और ऐड हो जाएगा, है ना, पता है ना सभी को। अच्छा, कुछ लोगों से तो बैलेंस इसलिए भी होगा कि कुछ लोग एग्जाम, करेक्ट, जिसमें रवि भी कह रहे थे एग्जाम देगा वो, मुझे याद आ रहा है कि, और काफी लोग कह रहे थे, 5-7 लोग और भी मुझे याद है कि सर अपियर तो मुझे होना ही है तैयारी, चाहे जैसे भी हो, है ना, जो भी रीजन हो, है ना। मुख्य परीक्षा के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, मुख्य परीक्षा कहता है संस्कृति एवं विरासत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, ठीक है, इतनी से बात है उसमें, और कला, स्थापत्य और साहित्य लिखा हुआ है। तो मुख्य परीक्षा का सिलेबस तुलनात्मक रूप से इसकी तुलना में छोटा है, प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस आपका ज्यादा एक्सटेंडेड है, समझ में आ रही बात सभी को, ठीक है ना। प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस ज्यादा एक्सटेंडेड है पीटी का, तो वो कह रहे हैं सांस्कृतिक इतिहास, यानी इस पे बल देना है आपको,
और थोड़ी समाज अर्थव्यवस्था की समझ, तो वो समझ बनती जा रही है आपको। वो कहता है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक, तो प्राचीन काल में 10 टॉपिक तो 10 टॉपिक का सांस्कृतिक इतिहास। इसके अलावा और भी सांस्कृतिक मुद्दों पे मैंने आपसे बात की थी, शिक्षा पे बात की थी मैंने आपसे, साहित्य पे बात की थी आपसे। क्लास जब एंड हो रहा था तो इसी पे हमने एंड किया था क्लास को, पूर्व मध्यकाल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, सामंतवाद बताया था मैंने आपको। फिर वहां पे मैंने आपको कल्चर पे बहुत ज्यादा, जिसमें नागर शैली, द्राविड शैली, वेसर शैली के मंदिरों पे बात हुई थी, चित्रकला पे बात हुई थी, मूर्तिकला पे बात हुई थी, ऐसे करके हमने वहां पे एंड किया था। तो 10 के 10 टॉपिक का सांस्कृतिक इतिहास, तो ये प्राचीन भारत का सांस्कृतिक इतिहास हो गया आपका। विरासत के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, जैसे आप टॉपिक को पढ़ते हैं उस टॉपिक की महत्वपूर्ण बातें कैसे बाद के कालों में या आज हमारे जीवन में दिखाई पड़ती है। ट्रेन में ये बात मैंने की थी आपसे, जैसे हड़प्पा, तो हड़प्पा की कौन कौन सी चीजें आज हमारे जीवन में है, वैदिक काल, मौर्य काल, ऐसे करके हमने बताया था। केवल कंटेंट आपको याद है तो विरासत के लिए कोई अलग से एफर्ट तो लगाने नहीं है आपको। तो यह है संस्कृति एवं विरासत। सिलेबस क्या कहता है, प्राचीन भारतीय कला, हर खंड में जहां जहां कला था वो मैंने बता दिया था। सिलेबस कहता है स्थापत्य, सिलेबस कहता है साहित्य, यानी जब मेंस के सिलेबस को सामने रख के पढ़ोगे आप तो पूरी बातें आपको एक्सप्लेन कर दी गई थी। क्योंकि लोकप्रिय भाषा में क्या होता है कि लोगों को लगता है कि आर्ट एंड कल्चर कुछ अलग से पढ़ना है, ता थई थई ताता धिन्ना धिन, कुछ ऐसा मतलब कुछ करना पड़ेगा सर, यहाँ के दिखाएंगे अपना अपनी कला जो है, कथक और पैरों की थाप, और उसमें चक्री काटेंगे वो, जैसे कथक में चक्री काटते हैं, है ना, या भरतनाट्यम में एक ही कलाकार अलग अलग जो कैरेक्टर होते हैं उसके बारे में अपने भाव और पैर को जो फोल्ड करते हैं, या फिर जो लास्ट नृत्य होता है हमारी ओडिसी का या मोहिनीअट्टम का, है ना सर, आंखों की कम से कम 9 मुद्राएं और ग्रीवा की बहुत सारी मुद्राएं जो हैं, ठीक है। कईयों के विभाग में चलता हूं कि सर आंखों की बहुत सारी मुद्राएं दिखाएंगे, हाव भाव, ठीक है, या ग्रीवा कितनी तरह से मूव करता है ना। शादी में सब लोग डांस करते ही होंगे ना थोड़ा बहुत, जिसको आता है वो भी, जिसको नहीं आता वो भी। वो बाद की अवस्था है, कल्चर में सबसे लास्ट की अवस्था है। जो आपको स्टडी मटेरियल भी दिए गए हैं वो कल्चर पे ही फोकस है, पीटी हो या मेंस, क्लास लेक्चर पे जब कमांड हो जाए, आर्य शर्मा की किताब पे जब कमांड हो जाए, तो आप अपने उस वाले नोट्स को भी रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हो। जब चाहो पढ़ना, जिस एरिया में चाहो पढ़ना आप पढ़ सकते हो, बट वो केवल सांस्कृतिक इतिहास पे फोकस है, वो आर्थिक पे नहीं, सामाजिक पे नहीं, राजनीतिक पे नहीं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, वैसे हमने कहा क्लास नोट्स और आर्य शर्मा ही बहुत है मेंस के लिए, बट फिर भी आपको लगे कभी कि सब चीजें पकड़ में बन गई, कुछ और पढ़ते हैं तो अपना नोट्स है बहुत। हमने बस इतना ही बताया था मॉडर्न इंडिया की तरह कि आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो, जो सवाल न बने उसको अपनी कॉपी में ऐड कर लिया करो, केवल प्रैक्टिस करनी है। 100, 200, 500, 1000 जितने सवाल आप बना सकते हो, पढ़ने की तुलना में आपके लिए ज्यादा एडवांटेज होगा प्रैक्टिस करना। पढ़ के आप कुछ गेन नहीं कर पाओगे बहुत ज्यादा, क्योंकि जो करना है क्लास लेक्चर में हमने समझा दिया है, और आर्य शर्मा की किताब में भी ऑलमोस्ट वो सारी बातें हैं, थोड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में है, बट फिर भी स्टडी मटेरियल आपको हेल्प करेगा उसमें। तो ये हिस्सा जैसे मैंने पढ़ाया उसी तरीके से अब हम मेडिवल इंडिया को भी लेकर, अब हम ऑलमोस्ट 1200 ईस्वी तक का इतिहास मैंने पढ़ा दिया है। जहां हमने पढ़ाया वहां 2-4 पेज आप सब छोड़ देंगे, क्योंकि एक बार जरा मैं कॉपी किसी का देख लूंगा, कुछ भूले बिसरी चीजें रह गई हो मुझे ध्यान आ जाएगा एक बार पलट के, तो मैं वहां उसको एड ऑन करा दूंगा बीच में ही चलते फिरते, ठीक है। 4 पेज आप सब छोड़ दीजिएगा स्पेस। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं मुश्किल से 550 साल का इतिहास है, 1200 से 1750, क्योंकि 1750 से मैंने आपको मॉडर्न इंडिया वाली क्लास में, तो कम समय में 5-7 क्लास में 8 क्लास में सारी चीजें आपकी अब ये रेंज में आ जाएंगी पूरी तरह से। मेडिवल इंडिया पूरा कवर करेंगे, मैं भी बता रहा हूं अभी आपको कैसे कवर करेंगे हम।
फिर करीब 2 घंटे के आसपास मॉडर्न इंडिया कल्चर पे भी एक क्लास होगी, जिसमें अंग्रेजों के समय के आर्किटेक्चर और उस समय की चित्रकला पेंटिंग्स बताऊंगा मैं। बाकी मॉडर्न इंडिया पूरा करा चुका हूं, बस ये हिस्सा थोड़ा मुझे ऐड करना है उसमें, वो कल्चर के साथ ही कराता हूं, इसी के साथ कराता हूं। और करीब करीब 1 से 1.5 घंटे की क्लास होगी कंटेम्प्रेरी कल्चर पे, जिसमें कम से कम क्लासिकल डांस के बारे में, जो भी हम कथकली और मोहिनीअट्टम की बात कर रहे थे वो भी बताऊंगा मैं आपको एक बार, कि उसमें क्या ध्यान रखते हैं, कौन कौन से बिंदु आपको ध्यान रखने हैं। क्लासिकल म्यूजिक के बारे में, मतलब जहां क्लासिकल डांस होगा वहां फोक डांस भी बताएंगे आपको हम। फोक डांस में पूरे इंडिया में इस समय तहलका मचाए हुए नागिन डांस, तो कुछ ऐसे भांगड़ा से लेकर के, गरबा से लेके, गिद्धा से लेके, मतलब बस केवल नाम बताऊंगा कि कैसे उसे देखते हैं, हमारी संस्कृति को, विविधता को कैसे। इतना मैं बता दूंगा एक सिस्टम की, थोड़ा सा आप टाइम देंगे, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो ऑलमोस्ट एक क्लास समझ लो आप मॉडर्न इंडिया 4 घंटे के आसपास और कंटेम्प्रेरी कल्चर पे रहेगा, जिसमें थिएटर के बारे में, रंगमंच के बारे में बताएंगे आपको, और आसपास की चीजों को कैसे ऑब्जर्व करें। उसके बाद शुरू होता है करंट अफेयर्स, अखबारों का रोल। जब ये पार्ट पूरा हो जाएगा तब आप हिस्ट्री एंड कल्चर को अखबारों से कैसे आप यूज, ठीक है, तब अखबार आपको बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। अखबार की भूमिका तब बढ़ जाती है कि कैसे चीजों को हम अपनी ट्रेडिशनल तैयारी के साथ हम उसको हम सिंक करें, उसको मिलाएं। किसी भी विषय में अखबार का मजा तभी आएगा जब आपको उसका बेस, क्योंकि ये नहीं पता होता एग्जाम में कब बेस हावी रहेगा, कब न्यूज हावी रहेगा, ये कोई नहीं कह सकता है। पहले दिन से मैं बताता रहा हूं आपको, है ना, एक एसी तो बंद करना पड़ेगा हम लोग को सौरभ भाई, ये वाला एक बार बंद करवा लीजिए, है ना। पहले दिन से मैं कहता रहा हूं कि हम ये तय नहीं कर सकते कि प्राचीन भारत से सवाल ज्यादा आएंगे, मध्यकाल से आएंगे, आधुनिक काल से आएंगे। याद है आपको हमने कहा था कि देखो मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको, 50% क्वेश्चन की कठिनाई नहीं होगी आपको पीटी में, मेरी बात मानोगे तो। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा आसान रहता है तो क्वेश्चंस बढ़ भी जाते हैं। यदि मेरी पूरी बात मानोगे तो 70% के आसपास आप रह सकते हो, 60 या 80, 50 से ऊपर ही रहोगे आप। पिछली बार का आपको याद होगा हम लोगों ने जो पेपर हुआ था, हमने डिस्कशन कराया था, पता नहीं आप में से किसी ने देखा या नहीं देखा पीटी वाले में, कभी दोबारा देखिएगा। हमने कहा था किसी ने 20 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जब अभी देखो यूपीएससी का जब रिजल्ट आ गया और मार्किंग सामने आई है, तो जनरल स्टूडेंट 88 से भी कम नंबर पे उसका प्रीलिम्स, यानी 10 में 5 क्वेश्चन, बीच में 10 क्वेश्चन सही है, तो हिस्ट्री ने अपना काम कर दिया है। वो पेपर देख करके मैं वही एनालाइज करके बता रहा हूं कि 8 से 10 क्वेश्चन कोई स्टूडेंट कर ले तो बहुत अच्छी बात है इस पेपर में। पॉलिटी में गिरी से गिरी हालत में भी आप 50% से ऊपर ही जाओगे आप, कितना भी बुरा वक्त होगा तो। ज्योग्राफी इकोनॉमी में भी ऊपर जाओगे, बट करंट अफेयर्स में आप दावे से कभी नहीं कह सकते हो। क्या करना होता है फिर, जैसे हिस्ट्री में हमने क्या किया, सारे महत्वपूर्ण टॉपिक की महत्वपूर्ण बातों को, किसी भी टॉपिक में 10, 5, 20 तथ्यात्मक जानकारी बढ़ाई जा सकती है। हमने कहा नहीं, ठहर जाओ, पहले सारे टॉपिक को पूरा कर लो, चीजों को याद कर लो आप एक बार, फिर प्रैक्टिस करो, जो जो नई जानकारी थोड़ा बहुत ऐड करना, क्योंकि 50% क्वेश्चन अभी भी सारे टॉपिक की बेसिक बातों से हर एक साल पिछले 30-40 वर्षों में कभी ऐसा ना हुआ जो ना पूछा गया हो, बट वो याद रह जाए आपको। इसलिए शुरू से हमने बल दिया था घोड़े की तरह, जैसे घोड़े के आंख पर लगा देते ना, दाएं बाएं ना देखे घोड़ा एकदम। हमने कहा इसके बियॉन्ड आप जाना ही मत, पहले पूरी हिस्ट्री पे एक बार कमांड कर लो, फिर देखो आप उसके बाद। बेस जब बन जाता है ना, तो 2-4 जानकारी कभी भी आप ऐड करते हो तो आपको उससे नुकसान नहीं होता, और बेस जब नहीं बनता है, आप फैलते रहते हो, तो आपको पता ही नहीं चलता कहां कितना फैलना है आपको, क्यों फैलना है, ठीक है। अब इससे पहले आइडिया होगा ही होगा, 98, 92 ऐसे पीटी के स्कोर,
ये डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि 87-88 ही जाएंगे, बट ये बता रहा है स्टूडेंट्स को भी बता रहा है कि भाई क्वेश्चन का लेवल है। आमतौर पे अब आप इतने मेच्योर हो ही चुके हैं कि देखो प्रारंभिक परीक्षा में दो ही तरह के हमें स्टेप्स, जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें उससे अटेम्प्ट लेने हैं, या जहां हम दो में ऑप्शन में हैं वहां, ठीक है। तो लगभग ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स 70-80 क्वेश्चंस में इस तरह के दायरे में वो होता है, 10-12 क्वेश्चंस या 8-10 क्वेश्चंस हर एक साल, चाहे वो पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, हिस्ट्री का हो, किसी खंड का हो, वो समझ में नहीं आता है। वो क्या क्या पूछा, कहां से पूछा, कैसे पूछा, वो बाद में ही 2-3 सवाल तो हिस्ट्री में हर एक साल ऐसे होते हैं, ठीक है। तो इसको बंद हो जाएगा सौरभ भाई? राजेंद्र जी भाई जरा इसको बंद करिएगा जरा इसी को, ठीक है। तो आप अपने घर को मजबूत कर लीजिए, और कल जब पेपर आएगा एक बार, तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से रिवीजन किया है उनके लिए बहुत एक अच्छा मौका है ये समझने का कि कितने क्वेश्चंस को वो डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते थे, कितने क्वेश्चंस में वो दो में फंस रहे थे। सेगमेंट वाइज जिस भी स्टूडेंट्स ने सीरियसली तैयारी की है, जितना भी हिस्सा आपको पढ़ाया गया अभी तक, जैसे मॉडर्न इंडिया हो चुका है, मॉडर्न इंडिया से ऑब्वियस है 4, 6, 7, 8 कुछ भी सवाल हो सकते हैं यूपीएससी के हाथ में। एक बार एनालाइज 50% का एकदम मान के चलना कि हाँ मिलने चाहिए हमें, ये अब तक का ट्रेंड है। 10 क्वेश्चंस पूछा तो 5 तो बनने चाहिए हमारे, 5 से अधिक भी बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चन समझ में एकदम नहीं आएंगे, कुछ क्वेश्चन द्वंद्व में आप फंसोगे। तो क्या आपको पकड़ में बात आ रही है, यानी अपने क्लास नोट्स पे कमांड कर रखा है, या अपने स्टडी मटेरियल विपिन चंद्रा को जैसे हमने कहा था साथ में पढ़ने के लिए आपने पढ़ा है, दोनों को मिक्स करके एनी हाउ तो 50% से ऊपर ही रहना है, कुछ भी हो जाए। कल पेपर है, आज मैं कह रहा हूं, क्योंकि 2-3 तो सिंपल सवाल होते हैं ना, ये क्या था, ये क्यों था। वैसे पॉलिटी आपका हो चुका है, तो जो जो सेगमेंट हो चुका है आपका अपना एक एनालिसिस, लेकिन कब कर पाओगे, जब रिवीजन बहुत मजबूती से आपने रिवीजन नहीं की होगी तो मोटे मोटे आकलन करोगे, आपको लगेगा कि अरे क्वेश्चन तो मैं कर सकती थी या कर सकता था, थोड़ी भी सिंसियर हो तो आपको लगेगा, बट वो गलत आकलन होता है। जब क्वेश्चन की गहराई में जाओगे तब पता चलता है कि भाई इसमें क्या पूछा, क्या सावधानी रखनी थी। तो शुरू से मैं कह रहा था आप लोगों को, आप रिवीजन करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। आप उसका रीजन है, अभी से भी रिवीजन करोगे मेंस का जो पेपर होगा, तो आप एनालाइज कर पाओगे अपने आप को, हम इस तैयारी में मेंस में कहां हैं। जब आप चिन्हित करोगे कि अच्छा इन सब चीजों को क्या करना चाहिए, तब हिस्ट्री में कोई कठिनाई आए मुझसे पूछोगे, या जो अपनी टीम के लोग होते उनसे बात करोगे आप, या किसी और विषय में कठिनाई आई सर इस पे क्या नजरिया होना चाहिए हमारा, तब ना पूरी क्लैरिटी आती है कि हाँ अब मैं एग्जाम में जाऊंगा तो क्या। समझ में आ रही है बात? कल एक बार पेपर आने देते हैं, फिर हम लोग थोड़ी बहुत उस पर बातचीत भी करेंगे। चलते हैं मेडिवल इंडिया की दुनिया में जरा एक बार, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत को वैसे हम 3 हिस्सों में पढ़ते हैं, एक चौथा हिस्सा भी इसका बनता है। एक हिस्सा है हमारा दिल्ली सल्तनत, ठीक है 1206 से 1526। क्षेत्रीय राज्य चौदहवीं से 16वीं सदी, मुगल
वंश 1526 से 1707 और 1858। जब मैं बताऊंगा तो ये औरंगजेब तक 1707 का हिस्सा है। वैसे 1858 में आपको याद होगा बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया था, ठीक है, उनको निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। लाल किले में मुकदमा चला था 57 के विद्रोह में, आपको याद हो तो। वहीं पे मृत्यु हुई थी, वहीं पे दफनाया गया था 1862 में बहादुर शाह जफर को। ये तीन हिस्सा हो गया जो हमें पढ़ना है मेडिवल इंडिया में। चौथा हिस्सा है विविध, मिसलेनियस। इसमें मैं आपको यूरोपियन कंपनियों के बारे में बताऊंगा, इसमें मैं आपको यूरोपियन कंपनियों के बारे में बताऊंगा। जैसे मॉडर्न इंडिया में मैंने बताया था आपको यूरोपियन कंपनियां क्यों आई, कैसे आई थी, बट यहां पे इंफॉर्मेशन वाइज बताऊंगा मैं आपको पुर्तगालियों के बारे में, कहां कहां केंद्र थे, कौन गवर्नर था, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, कार्टेज सिस्टम क्या था। फैक्चुअल बातें अधिक होंगी इसमें, ठीक है। यूरोपियन कंपनियों के बाद, यूरोपियन कंपनियों के बाद मराठों के बारे में बताऊंगा। मराठों के बारे में बताऊंगा और जो 18वीं सदी के क्षेत्रीय राज्य हैं, जो मॉडर्न इंडिया का अपना बुकलेट है, बुकलेट जब मॉडर्न इंडिया की स्टार्ट करते हैं हम, उसी में यूरोपियन कंपनियां भी हैं, क्षेत्रीय राज्य भी हैं। मेडिवल वाले बुकलेट में नहीं मिलेगा आपको ये मॉडर्न वाले बुकलेट में मिलेगा आपको। क्षेत्रीय राज्य के बारे में जस्ट 10-15 मिनट का एक आइडिया दूंगा मैं आपको, क्योंकि सब नोट्स में लिखा हुआ है। यानी जहां से हमने शुरुआत की थी, आपको याद होगा मॉडर्न इंडिया के बारे में ना, कि 18वीं सदी में कौन कौन से राज्य थे। पहले मुगलों की सत्ता थी, फिर छोटे छोटे राज्य, फिर बंगाल में नवाबों का शासन, अवध में नवाबों का शासन, रुहेलखंड, फर्रुखाबाद, ठीक है, सिंध में अमीरों का शासन, पंजाब में रंजीत सिंह, मराठों की सत्ता, हैदराबाद का निजाम, मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान, ऐसे करके हमने क्लास की शुरुआत इन्हीं राज्यों के बारे में एक 10-15 मिनट का एक परिचय में आपको, यानी जहां से हमने सफर शुरू किया था मॉडर्न इंडिया का, क्लास को मैं वहीं पर ला करके फिर एक बार मर्ज करूंगा। बट उस दिन आपको मॉडर्न इंडिया का बुकलेट भी अपने साथ रखना पड़ेगा, बता दूंगा पहले ही मैं आपको। क्लियर सभी को ना? ये पढ़ना है हमें मेडाइवल इंडिया में, सिलेबस है हमारा। किसी भी हिस्से को, जैसे दिल्ली सल्तनत है, हम कैसे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत को, तो सेम कहानी भाई, रुक जा। राजनीतिक इतिहास, आर्थिक इतिहास, सामाजिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है, सेम मॉडल चलेगा। यहां पे क्या है कि मध्यकाल में आर्थिक और सामाजिक इतिहास को उतना महत्व तो नहीं दिया गया है किताबों में, ठीक है, और मध्यकाल में जब भी हम पढ़ते हैं तो राजनीतिक इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा महत्व रखता है। हर टॉपिक अपना एक नेचर हो जाता है कि किससे क्या पूछा जा सकता है। तो मध्यकाल में वैसे भी राजनीतिक इतिहास से प्रश्न पूछे जाने का लगातार ट्रेंड है, ठीक है। तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक इतिहास में फिर एक बार हम इसी तरह से आएंगे स्थापत्य के बारे में, जैसे कुतुब मीनार है और कुछ मकबरा, अलाई दरवाजा, ये सब स्थापत्य के ऊपर। चित्रकला बहुत कम है, संगीत की बहुत कम जानकारी है, बट साहित्य थोड़ा समृद्ध है। और सबसे इंपॉर्टेंट होगा यहां पे भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन, वो विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है।
फिर जब मैं क्षेत्रीय राज्य में आऊंगा तब बताऊंगा वहां पे, यहां विजयनगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा कल्चर। मुगल वंश का सेम मॉडल होगा, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक। पर जब मुगलों को हम पढ़ेंगे वहां पे तो मुगलों में चित्रकला बड़ा समृद्ध रहा है, तो साथ साथ राजस्थान की चित्रकला और पहाड़ी चित्रकला का भी अध्ययन, और दक्कनी चित्रकला और सिख चित्रकला, थोड़ा यहां फैलेंगे हम कल्चर में, हम फैलनशील वाले प्राणी बनेंगे हम। यहां बता दे रहा हूं एक बार कि सिलेबस क्या होगा आपका जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, यानी फिर वही सिस्टम है कि कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं, हर टॉपिक की महत्वपूर्ण बातों पे पकड़। अब देखो इतने दिन हो गए हैं, यदि मैं आपसे कोई सवाल करूं मॉडर्न इंडिया के बारे में, जैसे मैं ऐसे कहूं अच्छा आप में से कितने लोग हैं जो 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में कोई दो पॉइंट बता सकते हैं क्लास में, एक दो तीन चार पांच छः सात, बहुत अच्छी बात है इतने लोगों ने हाथ उठाया, वरना 150-200 की भीड़ में भी हाथ कई बार नहीं उठते हमने देखा है। दो तीन महीने के बाद आप पूछ लो, 3 महीने के बाद आकर के, 4 महीने के बाद, कि आपने याद है क्या आपको। आप में से कितने लोग हैं जो भू राजस्व बंदोबस्त के बारे में, जमींदारी बंदोबस्त के बारे में बता सकते हैं, संख्या बढ़ गई, वेरी गुड, ये ज्यादा अच्छी बात है। वेलेजली के सहायक संधि के प्रावधान कितने लोगों को याद है, वेरी गुड, बट अच्छा लग रहा देख करके, मतलब कि हाँ आप, बस वो रिवीजन वाली बात है कि आप जब आगे बढ़ते हैं, जैसे आप मेडिवल इंडिया में आ गए, अब क्लासेस हैं, जितनी भी क्लासेस आएंगे तो आपकी जिम्मेवारी बनती है ये कि एंशिएंट को रिवाइज कर लें, मॉडर्न को रिवाइज करें, जो खंड चल रहा हो कम से कम उसके साथ पुरानी चीजों को भी एटलीस्ट पढ़ लीजिए आप, आधा एक घंटा मन से 15-20 पेज, क्लास नोट्स को रीडिंग भी कर लेंगे आप, बहुत सी चीजें सामने आ जाती हैं। सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका यह होता है कि रफ कॉपी लेके बैठिए आप, पढ़ते जाइए, उसकी समरी बनाते जाइए आप, उससे क्या होता है एक बार में वापस आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां आपने उसे छोड़ा था। और कोई तरीका आपके पास है तो अच्छी बात है। याद है आपको कहते थे कि देखो चीजों को जब आगे बढ़ते हो तो पीछे कितना आपको ध्यान रहता है, अब आप कोशिश करिएगा, हालांकि मेडिवल इंडिया में वर्क काफी ज्यादा है, पर पुरानी चीजें भी आप रिविजन कर पाए अपने साथ साथ, हिस्ट्री के टारगेट रख लीजिए भाई, पाषाण काल और हड़प्पा काल मुझे रिवाइज कर लेना है दो आज, अगली क्लास जब होगी फिर दो टॉपिक और रिवाइज कर लेना, ऐसे करके आप 5-7 क्लासेस में एक रिविजन कर जाइए पूरा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। राजनीतिक इतिहास पढ़ने के पहले थोड़ा सा एक बैकग्राउंड आपको बता दूं 5 मिनट का, और फिर हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे। शीर्षक दे दीजिए आप, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526, लिखें राजनीतिक इतिहास, ठीक है। राजनीतिक इतिहास पढ़ने के पहले थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड सा बता दूं, आपको याद होगा एक मोहम्मद गौरी के बारे में, नहीं भी याद हो तो कोई बात नहीं। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान का शासक था, अफगानिस्तान में एक जगह है गौर, ये वहां का शासक था और अफगानिस्तान के बड़े भूभाग पर इसका कब्जा था। मोहम्मद गौरी ने क्या किया, 1175 से लेकर 1206 के बीच में, ठीक है आपको थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा अभी, है ना, इसने क्या किया अफगानिस्तान से लेकर के बंगाल तक 1175 से 1206 के बीच अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक के भूभाग पर इसने कब्जा कर लिया।
मेनली क्या था, पाकिस्तान का पंजाब वाला इलाका, हरियाणा, भारतीय पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश का अच्छा खासा इलाका, कुछ इलाका राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का कुछ ही इलाका, मध्य प्रदेश का कुछ ही इलाका, बुंदेलखंड वगैरह में कुछ कुछ एरिया, ठीक है, बिहार और बंगाल, 1175 से 1206 के बीच में, आपको याद हो तो मोहम्मद गोरी ने अपने सैनिकों के दम पे, सेनापतियों के दम पे जीता था। जब गौरी की मृत्यु हो गई थी पूर्व मध्य काल में, मैंने बताया था आपको, तो गौरी की मृत्यु के बाद इसका साम्राज्य तीन भागों में बट गया था। लिखना नहीं है आपको, ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ है, गौरी की मृत्यु के बाद इसका साम्राज्य तीन भागों में बट गया था। अफगानिस्तान का साम्राज्य जो था वो चला गया था यल्लौज के पास, इसकी मृत्यु के बाद अफगानिस्तान का इलाका, इसके बेटा का शासन था, उसका संरक्षक था यल्दौज, एक दास था। सिंध और मुल्तान, ये वाला एरिया, ठीक है, सिंध और मुल्तान, ये एरिया था कुबाचा के पास, ठीक है, और पंजाब से लेकर के बंगाल तक का इलाका, ये जो इलाका था, पंजाब से लेकर के बंगाल तक का इलाका था, पंजाब से लेकर बंगाल तक का इलाका था कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, ठीक है। ये तीनों मोहम्मद गौरी के दास थे। गौरी ने ऐबक को 1192 से ही जिम्मेवारी दे रखी थी, जब उसने जीता भी नहीं था। तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था आपको याद होगा, उसके बाद से ही भारतीय साम्राज्य का प्रतिनिधि ऐबक को बना रखा था गौरी ने। गौरी की मृत्यु के बाद दिल्ली को राजधानी बनाकर ऐबक ने शासन शुरू किया। दिल्ली राजधानी थी और जो शासक होते थे वो सुल्तान कहलाते थे, और सुल्तान का जो एरिया, जैसे मैं यहां का सुल्तान हूं, ये पूरा मेरा एरिया है, यानी ये मेरी सल्तनत है। यहीं से कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है, यहीं से कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत में हम ऐबक से और आगे की कहानी हम पढ़ते चले जाएंगे अभी, हम फिर एक बार जरा क्लास नोट्स में देख लूंगा कि पीछे मैंने क्या क्या कराया था, देख लूंगा, जहां कहीं कुछ सिंक करना हो तो मैं करा दूंगा उसको, इसलिए हमने कहा पेज छोड़ दीजिए आप। लास्ट क्लास तो मुझे ध्यान है कि मैंने क्या पढ़ाया आपको, ठीक है, एक जगह पे लाके छोड़ा था जहां से मुझे पता था कि एक ब्रेक अब होने जा रहा है ना, तो ये था कि भाई एक सही पॉइंट पे लाके क्लास छोड़ा जाए जहां से आपका एक हिस्सा पूरा हो जाए। जब सल्तनत काल पढ़ेंगे राजनीतिक इतिहास में, पांच अलग अलग फेज पढ़ेंगे। पहला फेज होगा गुलाम वंश, अभी लिखना नहीं है आपको, केवल थोड़ा सुन लीजिए आप, जरा अवेयर हो जाएंगे आप। लिखने का कार्यक्रम शुरू करूंगा मैं अभी। 1206 से 1290, इसको दास वंश भी कहते हैं, आदि तुर्क भी कहते हैं, ममलुक भी कहते हैं, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। इसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1412 या 1414, उसके बाद सैयद वंश, फिर लोधी वंश 1451 से 1526। बाबर क्या करेगा, इब्राहिम लोधी को हटाकर, बाबर क्या करेगा, इब्राहिम लोधी को हटाकर मुगल वंश की नींव। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं राजनीतिक इतिहास में, वंशावली, साम्राज्य विस्तार, जैसे ये इलाका था सिंध और मुल्तान किसने जीता, इल्तुतमिश ने, गुजरात मालवा किसने जीता, अलाउद्दीन खिलजी ने, महाराष्ट्र वाले इलाके कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने, आंध्रा वाला इलाका गयासुद्दीन तुगलक ने, कर्नाटक तमिलनाडु मोहम्मद बिन तुगलक ने, विस्तार ओवर, इतना ही है विस्तार। इसी में बहुत सारे करेक्टर मारपीट करते रहते, उसने उसकी हत्या कर दी, ये वो, बचेंगे हम, काम काम की बातों को ही देखेंगे इसमें हम, इतना ही विस्तार है। लगे हाथ पतन भी देख लेंगे कि विकेट क्यों निकल गया इसका दिल्ली सल्तनत का, ठीक है।
और प्रशासन की बात करेंगे। फिलहाल जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक क्वेश्चन अब हर एक साल इससे आने की संभावना, 2 साल से लगातार 3 साल से पूछे भी जा रहे हैं एक या दो प्रश्न, तो राजनीतिक इतिहास से कम और सिंपल ही सवाल पूछे जा रहे हैं, सिंपल हो या जैसा भी हो वो बन जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें थोड़ा हम लोग हैंडआउट्स की भी मदद लेंगे। सर भी सारा हैंडआउट जा चुका है ना इनको, आपको हैंडआउट दिया जा चुका है, आप प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा उसके, अपने साथ लेके आया करिएगा। कहीं कहीं हम हैंडआउट्स की मदद, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के मकसद से है, प्योर ऑब्जेक्टिव को बार बार हर जगह लिखाने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए वो लिखा हुआ ही दे दिया गया आपको। बट पढ़ाऊंगा पूरा मैं हैंडआउट्स को रख करके, यहां पे बोर्ड पे लिख करके, ये नहीं कि पढ़ लेना वाली बात नहीं होगी, उसका एक पूरा सिस्टम बना के ही छोड़ूंगा मैं उसको, ठीक है। तो ये राजनीतिक इतिहास में क्या पढ़ने जाने, थोड़ा सा आइडिया लग गया। जब हम पढ़ते हैं ना तो इसमें कुछ कैरेक्टर आते हैं, कुछ नाम आएंगे, है ना, कभी खलीफा, कभी सुल्तान, सल्तनत, इक्ता, खालसा, जजिया, जकात, खराज, खुम, समीर, उलेमा, दास, जिन कैरेक्टर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उनका जरा एक छोटा छोटा परिचय हो जाए, कुछ टर्म बता देते हैं आपको, ठीक है। आप जरा कुछ प्रमुख शब्द या पद टर्म, पहले लिखिए आप खलीफा, खलीफा, यहां लिख लें आप कि इस्लाम में राजनीतिक एवं धार्मिक प्रमुख, पैगंबर साहब के बाद, जो लिखना नहीं है आपको, पैगंबर साहब के बाद जो राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख हुए उनके जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए, और शुरू के करीब 200-250 वर्षों में, यानी 7वीं सदी के मध्य से लेकर के 10वीं सदी तक आते आते मध्य और पश्चिम एशिया में इस्लाम काफी मजबूत हो गया। पश्चिम एशिया अलग अलग वंश थे, उमैयद वंश, अब्बासी वंश, ऐसे करके खलीफाओं के सब पैगंबर साहब के रक्त संबंधों से ही जुड़े हुए थे। तो बहुत बड़ा अंपायर हो गया तो एक व्यक्ति के लिए नियंत्रण रखने में कठिनाई, तो जो दूर दराज के इलाके होते थे जिन पर इनका कब्जा होता था, वहां के शासन की जिम्मेवारी जिस प्रतिनिधि को सौंपी जाती थी वो सुल्तान कहलाता था। पर चूंकि इतना बड़ा शासन एरिया था इनके पास अब, कि इन्हें पता भी नहीं होता तो कौन कहां का सुल्तान है, पर सुल्तान ने खलीफा से कभी मान्यता ले ली कि भाई हमें शासन करने की आप अनुमति, समय समय पे कभी उपहार वगैरह भेज दिया करता था, ठीक है। तो ऐसे करके कहानी चली सुल्तान की। तो वैसे तो जो सुल्तान होता था दिल्ली का, राजनीतिक मामलों में पूरी तरह से स्वतंत्र और संप्रभु होता था, बट सैद्धांतिक रूप से खलीफा को अपने ऊपर वो मानता था। कभी कभी जब आप पढ़ोगे तो खलीफा का जिक्र आएगा। आप लिखें सुल्तान, सुल्तान का अर्थ होता है सत्ता को धारण करने वाला, ठीक है। कॉमा लिख के लिखें आप खलीफा का प्रतिनिधि, ठीक है, खलीफा का प्रतिनिधि हो गया वो। हमने बताई दिया व्यवहार में स्वतंत्र होंगे बट कहने के लिए वो खलीफा के अधीन सैद्धांतिक तौर पे। आगे लिखें आप सल्तनत, सुल्तान के अधीन क्षेत्र, सुल्तान के अधीन क्षेत्र, यहां लिख लें आप,
यह दो भागों में विभाजित लिखें आप एकता एवं खालसा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे हमने कहा कि आप ये पूरा एरिया हो गया सुल्तान के अधीन, ये सल्तनत कहलाएगा। ये दो भागों में विभाजित है, एक है खालसा राजधानी और उसके आसपास का क्षेत्र जहां सुल्तान सीधे शासन करता था और जहां की रेवेन्यू सीधे राजकोष में आती थी और जहां अपने अधिकारियों के माध्यम से प्रांतपतियों के माध्यम से, मैं लिखवा रहा हूं आपको एक बार समझ लीजिए, आपके वाला भी, जहां अपने प्रांतपतियों के माध्यम से वो शासन अलग अलग प्रांत बने हुए थे। ठीक है, तो सल्तनत दो हिस्सों में था, एकता और खालसा। खालसा का मतलब लिखें सुल्तान का प्रत्यक्ष शासन एवं राजस्व सीधे राजकोष में जमा होती थी। लिखे एकता एकता लिखें प्रशासनिक एवं सैनिक दायित्व के बदले भूभाग एवं राजस्व का क्षेत्रीय आवंटन। ठीक है, टेरिटोरियल एलोकेशन हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन कर दी गई कि भाई आपको प्रशासन देखना है। जैसे किसी अधिकारी को मान लो एग्जाम्पल के तौर पे अवध का इक्तादार बना दिया गया, तो अवध का क्षेत्रीय आवंटन हो गया, प्रशासनिक सैनिक गया तो देखेगा रेवेन्यू भी उसके पास है, सब खर्चों के पास जो बचता था वो सेंटर को भेजा करता था। ये सब ना जब हम पढ़ेंगे तो शब्द आएंगे, तो शब्दों के बारे में थोड़ा आइडिया आपको रहेगा कि भाई ये कौन था। अच्छा, गवर्नर हो गया, प्रांत प्रमुख हो गया। राजनीति में जिन जिन चीजों का जिक्र बार बार मिलेगा आपको, आगे लिखें आप अमीर, लिखे महत्वपूर्ण अधिकारी या उच्च अधिकारी, ठीक है। अब जैसे मान लो सुल्तान है, उसके आसपास जितने सब मंत्री हैं, जो प्रांत के प्रमुख हैं, जितने महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, उन सबको अमीर कह के भी संबोधित, उलेमा। इस्लामिक कानून के विद्वान, ठीक है। होता क्या था राजनीति में, जैसे सुल्तान हो गए, सुल्तान अपने रिश्तेदारों जिस पे भरोसा कर सकता था या अपने गुलामों को महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्त, भरोसेमंद लोगों को, तो वो सब अमीर कहलाते थे। और जो इस्लामिक कानून के जानकार थे राजनीति में और समाज में, उनका बड़ा हस्तक्षेप था, ये बहुत पावरफुल लोग थे।
तो राजनीति में जब भी बात होती थी तो सुल्तान अमीर उलेमा लिख लें आप, गुलाम या दास, इसके सामने कुछ नहीं लिखना है आपको। गुलाम या दास का मतलब ये था कि जितने भी इस समय सुल्तान थे या अफगानिस्तान या मध्य एशिया की राजनीति थी, किसी भी क्षेत्र पे जब कब्जा करते थे तो वहां के लोगों को गुलाम बनाया करते थे। जैसे हम अपनी संपत्ति के साथ व्यवहार करते हैं, कोई भी चीज हमारी अपनी हो, कभी भी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, जब चाहे उसका हम उपयोग कर सकते हैं। गुलाम और दासों की हैसियत ऐसी होती है, मालिक जो कहे वो करना। कुछ गुलाम क्या होते थे, बड़े योग्य होते थे, मालिक उसकी पहचान करता था, सुल्तान या कोई अमीर, सब कोई गुलाम रखता था उसमें। उनको ऊंचे ओहदे दिए जाते थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। आगे अल्तुतमिश की बात करेंगे, वो ऐबक का गुलाम था। बलबन की बात करेंगे, वो गुलाम था। तो नाम ही पड़ गया गुलाम वंश। तो जब भी आप पढ़ोगे राजनीति में तो दासों की बड़ी भूमिका आपको दिखेगी। जिसका जो गुलाम, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई गुलाम, तो कुतुबी अमीर, कुतुबी गुलाम, ऐसे करके वर्ड। शमसुद्दीन इल्तुतमिस, शमसी अमीर, शमसी गुलाम। मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम या मोहम्मद गौरी, अशियाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, गौरी को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो मुइजी दास, मुइजुद्दीन, ठीक है, जैसे गौरी का दास हो गया तो मुइजी दास, ऐसे करके किताबों में। ये सब एग्जाम में नहीं पूछेंगे, बट जब हम थोड़ा पढ़ें या समझें थोड़ी बात समझ में आए। अब होता क्या था, उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था। जैसे ऐबक गद्दी पे बैठ गया तो ऐबक के मरने के बाद कौन बैठेगा पता नहीं। अच्छा, ऐबक को ये नहीं पता कि कब तक वो जिंदा रहेगा। घात लगा के सारे उसके रिश्तेदार, कब मौका मिले और इसको मारे और हम सुल्तान। उत्तराधिकार का नियम नहीं था। अगला जो सुल्तान बनता था, अक्सर होता था कितने अमीर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, कितने उलेमा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हर सुल्तान चाहता था कि हमारे विश्वास पात्र लोगों की टीम। आज भी ऐसा ही होता है, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी जो देश के होते हैं, अक्सर अपने विश्वास पात्र लोगों को अपने आसपास, जिन पे भरोसा कर सके, जो उनकी बात को माने, है ना। तो गुलाम या दास, यहीं पे लिखें आप शरीयत, इस्लामिक कानून, इस्लामिक कानून, जवाबित राजकीय कानून, राजकीय कानून, ठीक है। और भी साथ साथ अब हम पढ़ते जाएंगे, हम तो जो जो शब्द आते जाएंगे वहीं आपको मैं बताता जाऊंगा, है ना। ये थोड़ा राजनीतिक इतिहास में एक पढ़ने के पहले थोड़ा एक समझ के लिए हमने इसको लिया। कर लिया आपने नोट। सल्तनत काल में थोड़े बहुत ये शब्दों का भी रोल रहता है, प्रारंभिक परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, पहला है हमारा गुलाम वंश, लिख लें आप, या दास या आदि तुर्क या ममलुक वंश। पीछे हमने बता ही दिया, गोरी की मृत्यु हो गई थी, गोरी के बाद ये साम्राज्य मिल गया था, है ना। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ रहे हैं। पहला है गुलाम वंश, दास वंश, आदि तुर्क या ममलुक वंश, 1206 से 1290। गुलाम या दास एक ही हो गया। गुलाम या दास शासक बन रहे, इसलिए नाम दिया गया है। आदि तुर्क यानी
ये प्रारंभिक शासक हैं श्री आदि तुर्क, ये सब अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं, कुछ कुछ मध्य एशिया से भी। इसमें ममलुक मिस्र में गुलामों के द्वारा जो राजवंश स्थापित किए गए हैं उसे ममलुक वंश कहा जाता है, लेकिन जो गुलाम होते हैं मालिक उनको दासता से मुक्त कर देते हैं तभी वो शासक बनते हैं। एक गुलाम शासक नहीं बन सकता इस्लाम में, सुल्तान नहीं बन सकता। तो जिनको मालिक के द्वारा दासता से मुक्त कर दिया गया फिर उन्होंने वंश की स्थापना की उसे ममलुक। एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, बस केवल एक बार सुना हुआ होना चाहिए आपका, ठीक है। ये सब इतना टेक्निकल आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में, इसलिए बस एक बार सुना हुआ होना चाहिए, हाँ ठीक है, इसलिए कहते हैं इसे। अब जब हम शासक के बारे में पढ़ेंगे हम, तो वंशावली, साम्राज्य विस्तार, कहीं कहीं एक दो युद्ध हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातों पर। एक शासक के काल में जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में कुतुब मीनार भी बनाया गया, बट उसका जिक्र यहां नहीं करेंगे हम, वो कल्चर वाले खंड में करेंगे हम, केवल राजनीतिक तथ्यों का हम उल्लेख करने जा रहे हैं। इसमें टोटल 11 प्लेयर हैं पहले वाले में। पहला लिखे आप कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। देखिए आप 1192 से 1206 तक गौरी के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। बारह सौ आठ में गौरी के उत्तराधिकारी से अफगानिस्तान में बैठता था, गौरी के उत्तराधिकारी से दास्ता का मुक्ति पत्र प्राप्त किया। ठीक है, गौरी के उत्तराधिकारी से दास्ता का मुक्ति पत्र प्राप्त किया, लेकिन कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, डरता था उपाधि धारण करने से कि भाई दावेदार हो जाएंगे कहीं, क्योंकि शुरुआती अवस्था में ये अपना एक अलग राज्य बना रहा है तो बिना उपाधि का भी सुल्तान है, कुछ ऐसा ना करे जिसमें सब इनके पीछे पड़ जाए। ठीक है, आगे लिखें आप ऐबक के बारे में कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौमा, दिल्ली को राजधानी बनाया, ठीक है, और यल्लौज से साम्राज्य की सुरक्षा के लिए लाहौर को अस्थाई राजधानी,
ठीक है, लाहौर को अस्थाई राजधानी। गौरी की मृत्यु के बाद साम्राज्य तीन भागों में बढ़ गया था, एक यलदौज, एक कुबाचा और एक ऐबक। तो लाहौर में लंबे समय तक रहा है ना, यहीं पर लिखे आप। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर मृत्यु, होता क्या था, जैसे तीन प्लेयर थे तो इसको डर था कि इसको सबसे बड़ा साम्राज्य मिला है, तो ये जो अफगानिस्तान में बैठा हुआ है, क्योंकि वो गौरी के उत्तराधिकारी के साथ बैठा हुआ है, तो वो मानता था कि मैं ही बॉस हूं और वो पूरे साम्राज्य पे दावा करना चाहता था। ऐबक ने दिल्ली को राजधानी तो बना लिया, लेकिन ये लाहौर में बैठा रहा, किसको इधर आने नहीं देना है। और ऐबक ने खुद कब्जा किया, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो भाग करके ऐबक फिर लाहौर। यलदौज से इसके अच्छे संबंध थे तो ज्यादा पंगा नहीं हुआ, तीनों समकक्ष थे, तीनों गौरी के दास थे, बट ऐबक को बड़ा हिस्सा मिल गया था तो यलदौज को तकलीफ लगती थी। यहां पे कुबाचा था, यहां पे यलदौज था, तो वही हमने लिखा है आपको, लाहौर को अस्थाई राजधानी बनाया और वहीं पे एक घोड़े पे पोलो जैसा गेम होता है खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है दान बहुत करता था, ठीक है, तो इसको लाख बक्स लिख लेंगे आप, लाख बक्स कहा गया है, दान देने के कारण। लाख बक्स कहा गया है दान देने के कारण, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, जब इसकी मृत्यु हो गई अचानक, तो लाहौर में जो इसके साथ करीबी लोग रह रहे थे अमीर, उन लोगों ने एक व्यक्ति को सुल्तान बना दिया कि भी ये इसका बेटा है। दिल्ली में अलग से एक पूरी टीम थी, अब जब लाहौर वालों ने सुल्तान किसी को बना दिया तो दिल्ली वालों ने कहा कि भाई इसका तो कोई बेटा ही नहीं था। तो दिल्ली वालों ने क्या किया, ऐबक का एक दामाद था इल्तुतमिश, उसको बोला भाई तुम सुल्तान, जो सुल्तान को बनाएगा वो सुल्तान से अच्छे अच्छे पदों को ले लेगा। तो ये आपस में संघर्ष है, लड़ाई है इनकी, समझ में आ रही बात सभी को ना। तो ऐबक हो गया, ऐबक के बाद देखिए आप आराम सा, बारह सौ दस से 1211 कुछ महीनों के लिए शासक था ये, फिर आप लिखें आप शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बारह सौ ग्यारह से 1236। यहां लिख लें इसके बारे में आप, ऐबक का दास, इल्तुतमिश के बारे में लिखें आप, ऐबक का दास कौमा दासता से मुक्त कौमा बदायूं का इक्तेदार ठीक है। ऐबक ने इसको बदायूं का इक्तादार बना रखा था, इक्तादार का मतलब प्रांत, प्रांत प्रमुख, इक्ता के बारे में मैंने बताया था अभी आपको, ठीक है, इक्तेदार कौमा, इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है,
है। इसके बारे में पहला पॉइंट लिखें, यल्लौज एवं कुबाचा की समस्या का पूर्णतः समाधान और अफगानिस्तान की राजनीति से दिल्ली सल्तनत को अलग किया। इसमें लड़ाइयां हुई हैं, नाम मैं नहीं ले रहा हूं। जैसे इसमें भी एक तराइन का युद्ध हुआ है जब उसने यल्दौज को हराया था, ठीक है, बाद में कुबाचा को भी इसने हराया। मतलब इसके जीवन काल में दोनों पराजित हो गए, फिर कभी किसी ने दावा नहीं किया। तो एक तो जहां से दिल्ली सल्तनत का जो मेन मालिक बैठा हो तो उससे हमेशा के लिए डिस्कनेक्ट करने का काम, फिर कभी किसी ने दावा नहीं किया कि नहीं मेरा है दिल्ली सल्तनत। तो वास्तविक संस्थापक इसे कई कारणों से कहते हैं, उसमें एक कारण यह भी है कि अफगानिस्तान और उन लोगों से पूरी तरह से इसने डिस्कनेक्ट कर दिया। किताब वगैरह मैं रिकमेंड कर दूंगा, जब उसमें पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत कहानी आपको मिलेंगे उसमें, ठीक है। आगे लिखें आप, 1229 ईस्वी में खलीफा से मान्यता प्राप्त और सल्तनत को वैधता प्रदान की ये पहला शासक को जिसने मान्यता लिया है, ऐबक ने मान्यता नहीं लिया था, क्योंकि पहला शासक है मान्यता लेने वाला, ठीक है। इसके पहले ऐबक था, आराम शाह था, उन लोगों ने मान्यता, इस्लामिक जगत में से सम्मान बढ़ जाता था शासक का कि भाई खलीफा से मान्यता प्राप्त शासक है। समझ में आ रही बात सभी को? आगे लिखें आप, दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था की शुरुआत ठीक है, ऐबक ने भी शुरू नहीं किया था, जैसा चला आ रहा था पहले से वही चलने दिया वो, आराम सा भी नहीं। इल्तुतमिश ने पहली बार एकता व्यवस्था इसने बांटना शुरू किया, किसको कौन एकता देंगे हम, यानी प्रांतीय शासन की शुरुआत करने वाला इल्तुतमिश है। ब्रैकेट में लिख लें, भारत में इसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। ठीक है, भारत में इसकी शुरुआत मोहम्मद गौरी ने की थी। आगे लिखें, विश्वास पात्र अमीरों का एक दल इसको ना दल चालीसा कहा जाता था, या तुर्काने चहलगानी भी कहते थे, बट दल चालीसा ही लिख लीजिए आप, ठीक है। इसलिए इसने अपनी टीम बनाई कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जितने भी खास लोग हों और गोरी के खास लोग, उसको हटाओ, अपनी टीम रखो शासन करने के लिए। ये बहुत पावरफुल था दल चालीसा या तुर्काने चहलगानी, ठीक है। इनमें एक सहयोग की भावना, समर्पण की भावना, लीडरशिप क्वालिटी थी उसके अंदर, ख्वाजे ताज की भावना, ठीक है। तो दल चालीसा एक
आगे लिखें आप, लिखिए पहला सुल्तान जिसने सिक्के जारी किए। लिखें आप, सिक्कों का नाम चांदी का टंका, सिक्के का नाम लिख लें आप चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल। तांबे का जीतल, ठीक है, पहला सुल्तान जिसने सिक्के जारी किए। तो सिक्के जारी करना भी संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है, केवल सुल्तान ही जारी कर सकता है, कोई और नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ इसके प्रमुख डेवलपमेंट हैं जिसके आधार पर इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अब क्या था कि इसने अपना उत्तराधिकारी अपनी बेटी को नियुक्त किया, रजिया को, बट ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम था। इसकी मृत्यु के बाद अमीरों और उलेमाओं ने गुटबंदी कर ली और रजिया के एक सौतेले भाई को शासक बना दिया, रजिया को बनने नहीं दिया। इस मामले में भी दूरदर्शी था कि रजिया में इसको ज्यादा प्रतिभा दिखाई पड़ती थी अपनी बेटी में, तो इसने अपना उत्तराधिकारी रजिया को, लेकिन अमीरों और उलेमाओं ने रजिया को बनने, हालांकि रजिया बनेगी फिर उसके बाद। तो इल्तुतमिश का इन कार्यों से, अच्छा, इन शासकों के समय ना मंगोलों का आक्रमण हुआ, जैसे इसके समय चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, तो 21 प्री में एक सवाल भी आया था। मैं आपको अलग से मंगोल आक्रमण कराऊंगा, दिल्ली सल्तनत एवं मंगोल, उसमें जिक्र करूंगा अलग अलग शासकों के बारे में। क्वेश्चन आया था चंगेज खां जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए, 3-4 ऑप्शन थे, उसमें एक ऑप्शन ये भी था। सिंपल सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये, लेकिन इस तरह से प्रश्नों को पूछना यानी राजनीतिक घटनाक्रम में भी अब इंटरेस्ट ज्यादा ले रही है यूपीएससी उसके जो क्वेश्चन है, वरना पहले लोग मान के चलते थे कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। बट हम लोग कवर कर रहे हैं पिछले 3-4 सालों से, सवाल तो अभी आया, बट मान के चल रहे हैं कि हाँ ऐसे प्रश्न भी कभी ना कभी दिखेंगे। इकट्ठे पूरा मंगोल आक्रमण ही करा दूंगा, हैंडआउट्स में दे रखा है हमने किसके समय क्या क्या हुआ था, बट एक बार समझा दूंगा आपको। तो इन सब कारणों से इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं। अब रजिया जब शासिका नहीं बन पाई, सुल्तान नहीं बन पाई, तो इसका एक बेटा था रुकनुद्दीन फिरोज शाह। हमें क्या करना है, शासकों का नाम लिखते जाना है, जिसका ज्यादा रोल नहीं उसको बस नाम लिख लेंगे, जिसकी भूमिका है उसके बारे में 4-5 बातों को पढ़ लेंगे हम। एक पॉइंट और लिख लें आप इल्तुतमिश के बारे में, सिंध एवं मुल्तान का दिल्ली सल्तनत में विलय। सिंध एवं मुल्तान का दिल्ली सल्तनत में विलय, ब्रैकेट में कर लें आप, प्रथम साम्राज्य विस्तार। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का जो मूल इलाका था उसमें पहली बार इस हिस्से को मिलाया गया, ऐड कर लिया गया उसमें। अब दिल्ली सल्तनत के पास जो इलाका था ना पंजाब से लेकर बंगाल तक का, उसमें सिंध और मुल्तान, मुल्तान हालांकि पंजाब में ही पड़ता है बट इधर की तरफ ये सिंध से लगा हुआ हिस्सा है, सिंध और पंजाब, इस वाले हिस्से को इसने मिलाया, पहला विस्तार। तो संस्थापक क्यों कहते हैं इसको वास्तविक संस्थापक, क्योंकि मान्यता ली, सिक्के जारी किए, मध्य एशियाई राजनीति से अलग किया, एक नई टीम बनाई, साम्राज्य का विस्तार, इन सब कारणों से इसे वास्तविक संस्थापक। नेक्स्ट शासक लिखें आप रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है,
हमने बताई दी आपको कि ये अमीरों और उलेमाओं के मदद से बना था। शुरू में हमने समझा दिया कि अगला सुल्तान कौन होगा उसको लेके बहुत माथा पच्ची उठा पटक होता था। ये मारकाट का पूरा इतिहास है। किताब वगैरह में जब अच्छी किताब पढ़ेंगे ना राजनीतिक, जैसे दत्त चौधरी मजुमदार है, LP शर्मा है, मतलब उन सब किताबों में ना खूब कहानियां मिलेंगी। वो भागा, अमीर उसके पीछे भागा, वो गिर गया, ठीक है, अमीर ने उसके ऊपर तलवार, नंगी तलवार लेके दौड़ा, नाम रहेगा उसपे, तब तक सुल्तान बचने में कामयाब रहा कोई और, मतलब ऐसे एक चलेगी। बट उसका एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है। कौन किसके रिश्तेदार नातेदार हैं, बुआ है, फूफा है, मामा है, मतलब उसका भी कोई मतलब नहीं है। एक वंशावली की समझ, कैसे शासन किया, इस शासन से चीजें बदलेंगे। इसी के साथ भारत में इस्लाम मानने वालों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ेगी। इस्लाम का पहला शासन सिंध पे हुआ था, तो सिंध वाला इलाका सबसे पहले यहां इस्लाम मानने वालों की आबादी आपको दिखेगी। ये सबसे पुराना इलाका है भारत का। उसके बाद पाकिस्तान वाले इलाके में इनकी गहरी पैठ बनेगी। ऐसे करते करते मतलब फिर देखते देखते तमिलनाडु तक पहुंच जाएंगे। तो साम्राज्य विस्तार, प्रशासन, ये सब हमें समझना है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन फिरोज शाह के बारे में और कुछ जानना नहीं है, बहुत कोई योग्य था नहीं। और इसकी एक माँ थी, मतलब उनका आतंक बहुत था शासन पे। उनका नाम था शाह तुर्कान। टेरर फैला रखा था, हत्या कर दी गई इन लोगों की। रजिया फिर इसके बाद सुल्तान बनती हैं। देखिए आप नेक्स्ट, रजिया सुल्तान। यहां लिख लें आप, इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था लेकिन अमीरों एवं उलेमाओं के विरोध के कारण गद्दी पर नहीं बैठ पाई। लेकिन हालांकि दिल्ली की जनता की मदद से गद्दी पर कब्जा किया। करीब करीब 6-8 महीने के बाद गद्दी पर बैठ गई है। मतलब गद्दी पर बैठने का मतलब ये नहीं कि गए और बैठ करके कब्जा करने की बात कर रहे हैं ना, जो सुल्तान का पद है दोबारा से वो उस पर इन्होंने कब्जा किया रजिया ने। उसमें दिल्ली की पब्लिक की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि उसके शासन से सब परेशान हो गए थे शाह तुर्कान के शासन से। इसी में लिखें अगला पॉइंट, तुर्कों की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए गैर तुर्कों को शासन में महत्व जैसे मलिक याकूत को
ये रजिया का सबसे विश्वास पात्र था, इथोपिया का रहने वाला था, इसको बड़ी जिम्मेवारी रजिया ने सौंपी थी। रजिया चाहती थी जो पहले से जमे हुए लोग हैं ना उनको हटाएं, कुछ को तो साफ किया लेकिन ज्यादा साफ नहीं कर पाई। एक लिखें आप, अंततः अमीर एवं उलेमा के षड्यंत्र का शिकार, और लुटेरों के द्वारा रजिया की हत्या, अब इसके साथ क्या था कि ये घुड़सवारी बहुत अच्छी करती थी और उस समय जो पुरुषों का पोशाक था उसी पोशाक में भी आती थी दरबार में, क्योंकि धर्म का पूरा दबदबा है, प्रभाव है उसमें, मतलब आप व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, हथियार चलाने में बहुत निपुण थी, ठीक है। तो बिल्कुल जैसे पिता शासन करते थे वैसे ये भी शासन करना चाहती थी। तो उलेमा और अमीर इन्हें पसंद, तो षड्यंत्र रचा। कुछ इक्तदारों ने कहा कि हम विद्रोह करेंगे और बाकी लोगों से समझा के रजिया को भेजेंगे, जाओ तुम विद्रोह को दमन करने के लिए। तो पंजाब में एक जगह है भटिंडा, उस समय तवर हिंद कहते थे उसे। जब भी किताब पढ़िएगा जो नया नाम और पुराना नाम हो उस पर ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन रहते हैं। भटिंडा में किसी ने विद्रोह कर दिया, अल्तुनिया का नाम, अल्तुनिया नाम का एक व्यक्ति था। रजिया जब विद्रोह को दबाने गई तो रजिया ने दिल्ली की जिम्मेवारी मलिक याकूत को सौंप दी, बट पहले से जो दिल्ली में तुर्क बैठे हुए थे उस सबने मिलकर मलिक याकूत की हत्या कर दी और रजिया के किसी एक रिश्तेदार को गद्दी पर बिठा दिया, सुल्तान बना दिया। रजिया जब वहां गई तब जिसने विद्रोह किया था उसको पता चला कि भाई विद्रोह तो हमने किया बट सुल्तान कोई और बन गए, सारे ऊंचे पद किसी और को दे दिए गए। तो जो विद्रोही था वो रजिया से मिल गया, बोला दोबारा हम कब्जा करते हैं। अल्तुनिया नाम था उसका, रजिया दोनों में विवाह हुआ। दोनों दिल्ली के नजदीक पहुंचे, एक लड़ाई भी हुई, उसमें उसकी सेना हार गई। वापस ये हट रहे थे दोबारा अपने आप को मजबूत करने के लिए। कहा जाता है कैथल के आसपास हरियाणा में कुछ लुटेरों ने घेर कर रजिया को, तो कभी कभी सुनते हैं रजिया डाकुओं से घिर गई, है ना, रजिया जो है डाकुओं के झुंड में फंस गई, है ना। तो ऐसे रजिया की मृत्यु, मतलब जो भी इतिहासकार वगैरह वो कहते हैं कि योग्य तो थी है, इसको समझ थी कि शासन कैसे करना है, ठीक है। ये दौर भी आपका, ये पहलू भी रजिया का। अगले शासक जो है बस आया राम और गया राम है। अब जो शासक गद्दी पे बैठेंगे थोड़ा डरेंगे, वो ज्यादा अपनी मर्जी से करेंगे तो अमीरों का दबदबा उनके ऊपर मरेगा। अब लिखिए आप रजिया सुल्तान के बाद, बहराम शाह, बारह सौ चालीस से 1242, ठीक है, बहराम शाह, इसको बस ऐसे नाम गिनती में रहने दीजिएगा। मसूद शाह, बारह सौ बयालीस से 1246, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद, बारह सौ छियालीस से 65, इसके बारे में लिख रहे हैं आप। इसके शासन काल में बलबन, लंबे समय तक
लंबे समय तक नायब ममलिकत के पद पर नायब ममलिकत, नायब का मतलब हो गया सुल्तान के बाद दूसरा प्रमुख व्यक्ति, डेप्यूटी, प्रधानमंत्री समझ लीजिए आप एक तरह से, ठीक है। लंबे समय तक बलबन इसके समय था, आगे बलबन का दौर आ जाएगा फिर, है ना। एक ऐसे जानकारी के लिए रखिएगा, इंफॉर्मेशन है, नॉर्मली जितने भी उच्च पद थे ये सब अफगानिस्तान या कुछ ईरान या मध्य एशियाई मुसलमानों को मिलते थे, भारतीय मुसलमानों को नहीं। भारतीय मुसलमान जो डर से या स्वेच्छा से धर्म को अपना रहे थे। इसके शासनकाल में एक भारतीय मुसलमान था इमामुद्दीन रेहान, एक वर्ष के लिए वो भी इस पद पे बैठा था, उसका नाम था इमामुद्दीन रेहान, एक वर्ष के लिए वो भी इस पद पे बैठा था। ये इतना डरता था कि ये शासन ही नहीं करता था, पूरा शासन बलबन करता था। ये केवल कहा जाता है मैक्सिमम समय इसका, क्योंकि उस समय प्रिंटिंग तो होता नहीं था, तो कुरान की प्रतिलिपि बनाता था, कुरान की आयतों को लिखता था। ये मैक्सिमम समय इसका धार्मिक कार्यों में ही व्यतीत। कुछ लोग कहते हैं कि भाई इसकी हत्या कर दी गई, कुछ लोग कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु से मरा ये, बट इसकी जगह बलबन सत्ता में आया। इल्तुतमिस के बाद अगला शासक है बलबन, जिसने दिल्ली सल्तनत को और मजबूत किया, उसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो ये कुछ खास रोल है नहीं इनका, तो नाम लेकिन थोड़ा पता रहना चाहिए हमें। नसरुद्दीन महमूद बलबन नायब ममलिकत के पद पे था, यहां नोट करके लिखें आप। इल्तुतमिस के पश्चात सुल्तान एवं अमीरों के बीच संघर्ष में दल चालीसा की महत्वपूर्ण भूमिका और बलबन भी इस दल चालीसा का सदस्य था, ठीक है, बलबन भी इस दल का सदस्य था। तो जो भी शासक आया और गया सब में बलबन भी षड्यंत्र में शामिल। बलबन सारे दांव पोंच को समझ रहा था, काफी महत्वाकांक्षी था। जब वो सत्ता में आएगा तो बहुत सावधानी से अपनी स्थिति को मजबूत, ताकि उसका भी वही हस्र न हो जो उसने अपने से पहले 4-5 सुल्तानों का उसने मिलकर किया था। तो अगला जो शासन है बलबन, बारह सौ पैंसठ से 1287, ठीक है, बलबन 65 से 87। देखिए आप बलबन के काल को सुदृढ़ीकरण का काल भी कहते हैं, कंसोलिडेशन का फेज भी कहते हैं। ठीक है, अब बलबन को पता था कि शासकों का जो चल रहा है, आया राम गया राम, तू चल मैं आई, ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया में था, है ना। इसे पता था कि मेरा भी विकेट निकल जाएगा। तो इसने दो तरह से उपाय किए हैं, एक तरफ
जो राजा का पद है उसको खूब गरिमामय बनाने की कोशिश, धर्म के नाम पे लोगों के दिमाग में बैठाने की कोशिश, दूसरी तरफ मजबूत सेना, गुप्तचर व्यवस्था और व्यवहार वगैरह से भी अमीरों से दूरी बनाकर चलना। तो इसका शासनकाल इसलिए बहुत खास तौर पे जाना जाता है। तो क्या क्या किया सुदृढ़ करने के लिए, है ना। अगला पॉइंट लिखें, राजपद की गरिमा को मजबूत बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। कई उपाय किए हैं, जैसे राजपद को नियाबते खुदाई, राजपद को नियाबते खुदाई, यानी ये जो गद्दी गद्दी पे बैठा हुआ है, कुर्सी पे बैठा हुआ है बलबन, यहां यहां बलबन नहीं है, ठीक है, वो खुदा की नियाबत है, ठीक है। आप उसे मतलब हल्के में मत लीजिए, आप कोई आम व्यक्ति नहीं है सुल्तान। तो नियाबते खुदाई लिख लें आप ब्रैकेट में, ईश्वर का प्रतिनिधि, खुदा का प्रतिनिधि, ठीक है। और जिल अल्लाह ब्रैकेट में लिख लें आप, ईश्वर की छाया, ठीक है, खुदा का प्रतिनिधि एवं ईश्वर की छाया। तो बलबन ने राजपद की गरिमा को मजबूत बनाने के लिए, बनाए रखने के लिए नियाबते खुदाई और जिल अल्लाह के रूप में सुल्तान को प्रस्तुत किया, लिख लें आप, के रूप में सुल्तान को प्रस्तुत किया। ठीक है, तो ताकि जो अधिकारी हैं वो सुल्तान के साथ बराबरी ना करें, सुल्तान का जो पद है वो अलग, दिमाग में बैठाने की कोशिश। इसे पता था केवल ऐसे खोपड़ी में तो बैठेगी नहीं, कुछ और करने पड़ेंगे। आगे लिखें आप, दरबार में सिजदा एवं पाबूस की शुरुआत, सिजदा माथा टेकना, पाबूस पैर चूमना, सिजदा एवं पाबूस की शुरुआत, सिजदा हो गया माथा टेकना और पाबूस हो गया पैर चूमना। साथ में यह भी लिख लेंगे, ये ईरानी परंपरा थी, ये ईरानी परंपरा थी, ठीक है, सिजदा एवं पाबूस की शुरुआत। जो भी दरबार में आएगा, जो भी अमीर होगा, वो पहले एक बार माथा टेकेगा भाई। इससे क्या होगा कि भाई बराबरी का मत समझो, तुम तो सुल्तान को कर रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हो सकता हूं, बात अलग है, बट मैं जिस पद पे बैठा हुआ हूं वो तो सीधे खुदा का ही प्रतिनिधि है, खुदा की छाया है वो तो। और फिर पास में आकर के एक बार आपको पैर चूमना पड़ेगा सुल्तान का, अधीनता का एहसास कराने वाला कि भाई तुम बराबरी वाले हो नहीं। आगे लिखें, दरबार में बैठने का स्थान सुनिश्चित, बैठने का स्थान सुनिश्चित, कौमा, पोशाक निर्धारित, फिक्स था क्या पहन के आना, कुछ भी पहन के नहीं आ सकते हैं आप, बैठने का स्थान तय है कहां बैठना है, एवं हंसी मजाक पूर्णतः वर्जित,
एवं हंसी मजाक पूर्णतः वर्जित प्रतिबंधित। तो दरबार में हंसी मजाक नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आ रहा है बलबनी व्यवस्था कैसी होती है। जैसे कोई अधिकारी यदि व्यवहार कर रहा हो ऐसा आईएएस ऑफिसर, तो देखो बलवन वाले स्टाइल में, ये कोई मंत्री या मुख्यमंत्री है ना, मतलब प्रधानमंत्री बोलना इसलिए उचित नहीं होता है कि वो एक ही होते हैं, मुख्यमंत्री में तो कोई भी हो सकता है चल जाएगा, ठीक है ना। प्रधानमंत्री तो एक ही होते हैं, है ना। तो ये है बलवनी तरीका, समझ में आ रही बात, क्योंकि आप अधीनस्थ उसको कर रहे हैं। आप आगे लिखें, आप केंद्रीय सेना का गठन, एवं गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया, ठीक है, गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत किया, यानी जो केंद्रीय सेना बनी है, अब तक क्या होता था, सुल्तान के अंगरक्षक होते थे, बॉडीगार्ड्स होते थे, उसे जानदार कहते थे, ठीक है, उसे जानदार कहते थे सल्तनत काल में, प्रशासन में आ जाएगा ये। शुरू से अंगरक्षक तो हैं, बॉडीगार्ड है, तो तुम इसके भी बॉडीगार्ड हैं बहुत सारे, संख्या सैकड़ों में है वो, और बाकी सब अधिकारियों के पास सेना होती थी, लड़ने के लिए सब सेना इकट्ठी हो जाती थी, बट इसने अलग से सुल्तान के लिए सेना बनाई, केंद्र के लिए सेना बनाई। ये हम पढ़ेंगे प्रशासन में, उसे दीवाने आरिज कहते थे सैन्य मंत्रालय को, और जो प्रमुख होता था वो आरिज मुमालिक होता था। इससे क्या होगा, इससे राजा सुल्तान की स्थिति और मजबूत। गुप्तचर सबसे इंपॉर्टेंट जरिया होता है जानने का। आगे लिखें आप, उच्च पदों पर तुर्कों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी, ठीक है, उच्च पदों पर तुर्कों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी, ठीक है। तब इसने कहा एक तरफ अमीरों को नीचा दिखा रहा था बहुत ही, दूसरी तरफ कहा कि जितने पद होंगे केवल आपको मिलेंगे, गैर तुर्कों को नहीं, बोला जांच करो, कोई भी गैर तुर्क उसको पद से हटाओ, तुर्कों को इंपॉर्टेंट पोस्ट दो। एक तरफ से खुश करने की भी कोशिश उन्हें कर रहा है। आगे लिखें आप, दिल्ली के आसपास जैसे मेवात, अमरोहा, इत्यादि क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की समस्या, क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की समस्या है ना, कौमा देखे लिखें, बलवन ने कठोरता पूर्वक लुटेरों का दमन किया, कठोरता पूर्वक लुटेरों का दमन किया, इसे रक्त एवं लौह की नीति भी कहते हैं। इसे रक्त एवं लौह की नीति भी कहते हैं। जैसे मान लो मेवात का इलाका है जो हरियाणा और राजस्थान से लगता हुआ इलाका है, हरियाणा ही मेन समझ लो आप, पूरे क्षेत्र को घेर लेना, जंगल है तो कुछ जंगलों को कटवाओ, जितने भी मेल मेंबर है सबको पकड़ो, जो जो उसमें दिखता है कि अपराधी हो सकते हैं उसकी हत्या,
बच्चों और महिलाओं को गुलाम बनाकर, मतलब जैसे दिल्ली में भी लूटपाट की घटनाएं बहुत हो गई थी ना, अमरोहा में, कटिहार में, सभी क्षेत्रों में बलबन ने अभियान किया कि लोगों में खौफ होना चाहिए सुल्तान का। खौफ होगा तभी तो रेवेन्यू कलेक्ट हो पाएगी, व्यापारी आएंगे, शिल्पी आएंगे, जब डर ही नहीं होगा प्रशासन का तो फिर कौन मानेगा। ठीक है, तो ये वाला मसला था। आगे लिखें आप, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के संभावित खतरे को देखते हुए साम्राज्य विस्तार के लिए कोई अभियान नहीं किया। अभियान नहीं किया तथा सेना को शिकार के बहाने निरंतर सक्रिय रखा। सेना को शिकार के बहाने निरंतर सक्रिय रखा। ठीक है, ये कभी भी सेना को कहता था चलो शिकार पे चलना है, कि मंगोलों का हमला कब हो जाए। तो साम्राज्य विस्तार के लिए इसने कोई अभियान नहीं किया, बट केंद्रीय सेना का गठन, गुप्तचर प्रणाली को ठीक करना, कानून व्यवस्था को ठीक करना, सुल्तान की पद को गरिमा। बट होता क्या था, व्यक्ति आधारित व्यवस्था थी, व्यक्ति गया तो सिस्टम अब अगले पर निर्भर करेगा। इसका दो बेटा था, दो बेटे थे इसके, एक मोहम्मद और एक बुगरा खां। क्योंकि मंगोलों का लूटपाट के मकसद से आक्रमण होता रहता था, तो मंगोल जो है पाकिस्तान वाले इलाके में कैंप किए हुए थे। इसने सबसे योग्य अधिकारियों को सीमा पे भेजा, जिसमें इसका अपना एक बेटा भी था। बलबन चाहता था कि उसे ही सुल्तान बनाएंगे मोहम्मद को, लेकिन एक मंगोल हमले में वो मारा गया। बलबन बहुत दुखी रहता था, बट शासन के दौरान कभी दुख दिखाई नहीं पड़ता था, लोग कहते हैं इसके बारे में। अकेले में बहुत रोता था वो। दूसरा बेटा था बुगरा खां, उसको उसने बंगाल का इक्तदार बना रखा था। बलबन ने अपने दोनों बेटों का पालन पोषण बहुत अनुशासन में किया था, जैसे एक राजकुमार की परवरिश होती है, और हर तरह के व्यसन से दूर रखा था। एक बेटा तो भाई सल्तनत की सुरक्षा में शहीद हो गया, दूसरा बेटा जैसे बंगाल गया तो उसे लगा कि भाई हमारे पास पावर बहुत है, तो वह ऐशो आराम में पूरी तरह से मशगूल मस्त हो गया एकदम। बुगरा खां को नृत्य गान में इतनी रुचि थी कि बाप ने समझाया, यानी बलबन ने समझाया, भाई मेरे बाद मेरी उम्र हो गई है, सुल्तान कौन बनेगा, तुम ही बनोगे। बोला बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है। बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, मेरी सेहत तो बंगाल में ही ठीक है। एक समकालीन इतिहासकार जिक्र करते हैं, पर तैयार नहीं होता है। खैर बलबन की मृत्यु हो गई, उम्र तो हो ही गई थी, तो तुम इसके समय से खेल रहा था ये, है ना। उसके बाद बलबन ने अपने एक पोते को ही नॉमिनेट किया और बन भी गया वो, बट पैरालिसिस हो गया उसे, तो वो चल नहीं पाया। सामान्य मृत्यु बहुत कम लोगों की होती थी, वो चल नहीं पाया। फिर एक और उसका बेटा बिठाया गया, एक खिलजी नामक, फिरोज खिलजी नामक एक सेनापति था, अधिकारी था, उसने सत्ता पे कब्जा और खिलजी वंश की शुरुआत करी। ऐसे करके कहानी चलेगी। ठीक है, तो हम लोग हैं पांचों जो वंश है उसकी राजनीतिक यात्रा पे, कि किसके बाद कौन और क्या हो रहा है, प्रमुख प्रमुख बातों को हम चिन्हित कर रहे हैं। क्लास के साथ ही थोड़ा देर बाद मैं आपको रीडिंग्स भी बताऊंगा कि क्या कैसे पढ़िएगा, पढ़ना चाहते हैं तो जरूरी भी है थोड़ा सा, क्योंकि तो राजनीतिक इतिहास से और एवरेज मुझे लग रहा है हर एक साल एक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब 3-4 साल तो ऐसा ट्रेंड रहेगा, आप ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस में ना थोड़ा दायरा बढ़ाई है यूपीएससी, तो इसका मतलब है कि इसमें काफी मसाला है पूछने के लिए। ठीक है, ये तो लिख लिया आपने बलबन के बारे में, है ना। अब इसके बाद लिखें आप,
कैकू बाद बारह सौ सत्तासी से 1290 और क्यूमर्स 1290। ठीक है, बस क्रम टोटल हो गए आपके, ये देख लीजिए 11 है ना, गिनती करेंगे आप यहां से तो कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स, पूरी हो गई क्रिकेट टीम। ठीक है ना, पूरी टीम थी। इसमें तीन ही वंश चला, ऐबक का वंश, आराम शाह, उसके बाद इल्तुतमिश का वंश, फिरोज शाह, रजिया, बहराम शाह, मसूद शाह, नसरुद्दीन, सब इल्तुतमिश के वंशज थे, और बलबन का वंश, कैकुबाद और क्यूमर्स। जिन तीनों का वंश चला, ये तीनों गुलाम थे, इसलिए इसे गुलाम वंश या दास वंश भी, गुलामी से मुक्ति मिल गई थी इन्हें, बट थे तीनों गुलाम। ऐबक किसका गुलाम था? गौरी का। इल्तुतमिश किसका गुलाम रह चुका था? ऐबक का। और बलबन किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का, आगे वाला पहले वाले का गुलाम था। तीनों गुलाम थे, तीनों को दासता से मुक्ति मिल गई थी, इसलिए इसे गुलाम वंश या दास वंश भी कहते हैं। क्लियर सभी को? अब हमेशा की तरह सिस्टम यही कि क्लास नोट्स को पहले याद रखना है, और एक किताब है सतीश चंद्र की, ओरिएंट ब्लैक सोन से मिल जाएगी आपको, जैसे आर्य शर्मा वाली किताब थी ना, वैसे ही सतीश चंद्र की, या ये ओल्ड एनसीईआरटी के रूप में भी चलती थी। हाँ, वो किताब है उनके पास, एनसीईआरटी वाले फॉर्म में ही है ना, तो ओल्ड एनसीईआरटी के रूप में चलती थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आप वो किताब लीजिए आप, या फिर जो चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे राजनीतिक इतिहास पे दो चैप्टर हैं, वो दिख जाएंगे आपको उसमें, तो कैसे ऐबक, पूरा क्लास नोट्स पढ़ जाइए आप एक बार, फिर उस चैप्टर को बाय लाइन, समझ में आ गई बात सभी को? छोड़ना नहीं है, ये चॉइस नहीं कि नहीं बिना पढ़े। आपको मैं समझा चुका था कि क्लास नोट्स याद होने के बाद ही पढ़ने का फायदा मिलता है। क्लास नोट को चूंकि मैं समझा देता हूं पूरी घटनाओं को, फिर लिखाता हूं, हर एक बात समझी हुई होती है, तो कुछ है नहीं उसमें याद रखना आपके लिए बड़ी बात। थोड़ा मिस करेंगे वंशावली वगैरह, कोई बात नहीं, कुछ आप फॉर्मूला वगैरह बना सकते हैं तो अपना बनाइएगा, जैसे भी हो याद रखने की कोशिश करनी है आपको। और फिर किताब से उस चैप्टर पे, जब किताब दिखाना जरा एक बार किसी के पास हो तो, अभी कौन से प्रकाशन से है ये? ओरिएंट ब्लैक स्वान से है, एनसीईआरटी फॉर्म में भी आती है किताब, अभी भी किताब मिल जाएगी आपको, जेरोक्स कॉपी मिल जाएगी, या इस रूप में भी मिल जाएगी आपको, नया संस्करण है ये, है ना। और इसमें आपको ना पूर्व मध्य काल मिल जाएगा आपको, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में तीन साम्राज्यों का युग है, पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोलों के बारे में अलग से 3 में दिया गया, जो मैं पढ़ा चुका हूं पूर्व मध्य काल। पूर्व मध्य काल की आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा और धर्म, फिर उसके बाद दिया हुआ है टकराव का युग, हजार पांचवा चैप्टर भी वही है आपका पूर्व मध्यकाल, यानी चैप्टर नंबर 2 से लेकर 5 तक पूर्व मध्यकाल है, जो मैं पढ़ा चुका हूं आपको, आर्य शर्मा में नहीं था वो। चैप्टर नंबर 6 है दिल्ली सल्तनत, स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण 13वीं सदी, जो अभी तक पढ़ाया आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 14वीं सदी में प्रसार और पतन, ये भी राजनीतिक इतिहास जो पढ़ाने जा रहा हूं अब। और 8 दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, समाज और अर्थव्यवस्था, तो राजनीतिक, सोसाइटी और इकोनॉमी, इस 3 चैप्टर से ही आपका, और क्लास लेक्चर से, कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अलावा।
राजनीतिक समाज और अर्थव्यवस्था में कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये किताब क्लास नोट्स आपको याद रह जाए, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस में कुछ नई बातें आ गई तो उसे नोट करना है आपको, क्लियर सभी को ना। अभी आपको क्या पढ़ना है इसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, चैप्टर बदल भी सकता है, 6, 7 और 8, ठीक है, ये पास कर दीजिएगा। पर सल्तनत काल की जो संस्कृति है ना, हम लोगों ने अपने स्टडी मटेरियल में दे रखा है, स्थापत्य, भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, ये सब साहित्य वगैरह सब दे रखा है हमने उसमें, तो फिर भी पढ़ेंगे इसी किताब से, क्लास नोट्स को ही मेन प्रायोरिटी रखनी है आपको। बट यदि कभी फैलने का थोड़ा मन करे, कुछ और जानने का मन करे, तो आप स्टडी मटेरियल यूज कर सकते हैं, यानी सोर्स को हमेशा फाइनल रखना है हमें, यही पढ़ना है। याद जब हो जाए तो फिर आप फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, समझ बन जाए, याद हो जाए, तो उसके बाद फर्क ही नहीं पड़ता है आप हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ रहे हैं कि इग्नू पढ़ रहे हैं कि निजामी पढ़ रहे हैं कि इरफान अभी पढ़ रहे हैं, है ना, अथहर अली पढ़ रहे हैं। सतीश चंद्रा की 2 वॉल्यूम में अलग किताब आती है, वो किताब नहीं, 1 वॉल्यूम वाली जो किताब है यही लेनी है आपको। इसके बाद अब है खिलजी वंश। खिलजी वंश का कार्यकाल थोड़ा छोटा ही है ना, लेकिन हाँ, दोनों कह सकते हैं हम। सैद्धांतिक तौर पे सुल्तान संप्रभु नहीं होता था, बट व्यवहार में वो संप्रभु होता था, बस, ठीक है। संतुष्ट नहीं हुए क्या इससे? और कुछ है नहीं इसमें तो, ठीक है, यही है इसका। हमने शुरू में ये बात बता दी थी, शायद आप ध्यान नहीं दे पाए होंगे, कि सैद्धांतिक रूप से खलीफा का प्रतिनिधि ही माना जाएगा, व्यवहार में इल्तुतमिश के अलावा किसी को मतलब ही नहीं खलीफा से। किसी ने मान्यता ली कि अब तक नहीं लेना, इसके बाद अगला होगा मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा होगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत में 3 ही शासकों ने मान्यता ली थी, वो भी कहने के लिए, ठीक है। अब आप लिखें खलजी वंश या खिलजी वंश। यह रवि जो लगता है, यस सर याद है, यस सर क्लियर है, लगता है ऑनलाइन क्लास कहीं से ले रहा है वो, है ना, प्रेजेंस बनाए हुए अपना, कंप्यूटर भी इधर ही है और रवि बैठता भी इधर ही था, तो बैलेंस तो बना ही हुआ किसी रूप में। खिलजी वंश 1290 से 1320, है ना, 3 प्लेयर हैं इसमें, एक अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है वो, पर तीनों के बारे में थोड़ा क्रम पूरा कर लेते हैं हम लोग, है ना। पहला लिखे आप जलालुद्दीन खिलजी, इसके बारे में 2-3 बातें, पहला लिखें खिलजी वंश का संस्थापक, खिलजी वंश का संस्थापक, ठीक है। दूसरा लिखें आप एक पॉइंट इसके बारे में, मंगोलों के साथ एक समझौता, मंगोलों के साथ समझौता एवं मंगोलों को दिल्ली में बसने की इजाजत दी गई, दिल्ली में बसने की इजाजत दी गई,
मंगोलों को नव मुसलमान कहा गया, नया मुसलमान। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लें कि इसी काल में कड़ा यानी इलाहाबाद और आसपास का क्षेत्र, इसी काल में कड़ा के इक्तेदार अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा, चंदेरी, ये सब मालवा क्षेत्र हो गया, एवं देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी महाराष्ट्र। भिलसा, चंदेरी एवं देवगिरी पर आक्रमण किया, भिलसा, चंदेरी ये सब मालवा क्षेत्र में पड़ेगा, देवगिरी महाराष्ट्र हो गया आपका, आक्रमण किया। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली सल्तनत का ये पहला प्रांतपति है या ये पहला काल है जब विंध्य पर्वत के दक्षिण में कोई अभियान या महाराष्ट्र पे पहली बार आक्रमण किसके काल में हुआ, तो जलालुद्दीन खिलजी के काल में। किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वो भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन बहुत महत्वाकांक्षी था। एक तो उसने बिना परमिशन का आक्रमण किया सुल्तान से, और फिर उसके खबर थी कि वहां खूब पैसे वैसे मिलेंगे, खूब लूटपाट की उसने, पैसा जमा कर लिया और चचा से मिलने भी नहीं गया वो। तो चचा यानी जलालुद्दीन खिलजी के रिश्तेदारों ने समझाया कि भाई, अधिकारियों ने, तुम्हारा भतीजा जो है तुम्हारा विकेट निकालेगा। भतीजे ने चचा को खबर पहुंचवाई कि भाई मिल लो मुझसे एक बार, आप नाराज मत हो। चचा दयालु थे, भतीजे की बात में आ गए। बस भतीजे ने समझाया था कोई साथ रहेगा नहीं, हम बताना चाहते हैं सारी बात, गलती मानना चाहते हैं, समर्पण करना चाहते हैं, सब था। चचा ने जैसे मुलाकात की, भतीजे ने चचा की हत्या। उसके बाद अच्छा खासा पैसा था अलाउद्दीन खिलजी के पास, उसने अधिकारियों को बांट कर और किसी से लड़कर ऐसे करके मतलब दिल्ली का सुल्तान बन गया अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली सुल्तान के सबसे योग्य शासकों में, सर्वाधिक योग्य शासकों में उसकी गिनती होती है। तो उसके बारे में काफी कुछ पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या किया अलाउद्दीन खिलजी। तो चूंकि बिना परमिशन का अभियान था, पैसे बहुत मिले थे और इसी पैसे के दम पे उसने सत्ता पे कब्जा किया। यही सब थोड़ी बहुत कहानियां हैं, कभी आपको याद रहेंगी, कभी आप मिस कर जाएंगे। इन कहानियों का डायरेक्ट एग्जाम से कोई रिलेशन नहीं है, बट थोड़ा लगे हाँ, जब किताब में पढ़ लोगे, देखोगे अच्छा ऐसा जिक्र है वहां पे भी, तो मिसिंग नहीं होगी, मेन मेन पॉइंट्स आपको याद रह जाएंगे। और कभी आप मिस कर रहे हो तो किताब चैप्टर रीडिंग कर लिया आपने एक बार, कहानियां बन जाएंगी फिर आपकी। क्लियर ना सभी को? अब लेते हैं ब्रेक हम लोग, ब्रेक के बाद फिर आगे बात करते हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। बारह सौ छियानवे से 1316 ये अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड है। इसके शासनकाल में जैसे राजनीतिक गतिविधियों की बात करेंगे अभी हम, है ना, तो इसमें हम साम्राज्य विस्तार की चर्चा करेंगे। थोड़ा एक आइडिया आपको दे दे रहा हूं, ठीक है, और सैन्य सुधार की भी बात करेंगे तथा अमीर एवं उलेमा पर इसने कैसे नियंत्रण स्थापित किया, सुल्तान की स्थिति को इसने और कैसे मजबूत बनाया, इसकी भी बात करेंगे।
राजनीतिक अर्थों में ये सब बात होगी। आर्थिक रूप से राज्य के आय में वृद्धि के लिए इसने क्या किया, और एक बाजार नियंत्रण नीति मार्केट कंट्रोल पॉलिसी क्या थी इसकी, उसकी भी बात हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा इसमें ज्यादा मसला है तो एक बार हमने लिख लिया ताकि एक क्रम से ही चलता रहे। साम्राज्य विस्तार में अब तक दिल्ली सल्तनत का जो एरिया है सबको पता है ही, पंजाब से लेकर बंगाल तक, सिंध मुल्तान उस हिस्से में है। उत्तर भारत में गुजरात मालवा का विलय दिल्ली सल्तनत में होगा, राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण किलों पे, महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर भी इसका नियंत्रण स्थापित, जिसमें रणथंभौर और चित्तौर है, और भी इलाकों पर आक्रमण करेगा। दक्षिण भारत में लिखवाने के पहले थोड़ा मैं बता दे रहा हूं आपको एक बार, दक्षिण भारत में इस समय चार अलग अलग राज्य थे। आपको याद हो पूर्व मध्य काल में तो कल्याणी के परवर्ती चालुक्यों का नाम लिया था हमने, थोड़ा सा कईयों को हो सकता न सुना हुआ नाम हो, वातापी के चालुक्य, फिर राष्ट्रकूट, फिर कल्याणी के चालुक्य, इस क्रम में मैंने बताया था। जब कल्याणी के चालुक्यों का पतन हुआ तो महाराष्ट्र वाले इलाके में देवगिरी, और इधर वाले इलाके में काकतीय, और यहां पर द्वार समुद्र, और नीचे मदुरा, मदुरा के पांडे, मदुरा के पांडे द्वार समुद्र में होयसल वंश, ये हो गया आपका वारंगल के काकतीय, और यहां हो जाएगा देवगिरी के यादव वंश। ठीक है, देवगिरी में यादव वंश, वारंगल में काकतीय वंश, द्वार समुद्र में होयसल वंश, और मदुरा में पांडे वंश। इसमें ये दो वंश बहुत चर्चा में आया, वारंगल का काकतीय भी, जो रामप्पा या रायप्पा मंदिर है जिसे विरासत सूची में शामिल किया गया है अभी, वो इसी दौर का है। और ये भी चर्चा में आया, भारत सरकार ने कहा है कि होयसलों के मंदिरों को भी हम विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये दोनों वंश बहुत चर्चा में, न्यूज में है ना। दक्षिण में चार राज्य थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका एक सेनापति है मलिक काफूर, उसके नेतृत्व में चारों के विरुद्ध अभियान होगा, चारों पराजित होंगे, चारों अधीनता स्वीकार करेंगे। ठीक है, चारों अधीनता स्वीकार करेंगे लेकिन किसी भी प्रत्यक्ष शासन नहीं करेगा। अलाउद्दीन खिलजी की शर्तें ये होंगी कि तुम समय समय पे हमें उपहार दिया करो, नजराना दिया करो। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की शर्तें होंगी, तुम हमें उपहार एवं नजराना दिया करो, बाकी शासन खुद करो, हम किसी अभियान पे जाए तो तुम हमें सैन्य मदद भी देना। तो यहां डायरेक्ट कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन उत्तर भारत को वो डायरेक्ट कंट्रोल करेगा, विलय करेगा उसका। ठीक है, तो ये हम साम्राज्य विस्तार में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप जरा साम्राज्य विस्तार शीर्षक दे दीजिएगा, पहला शीर्षक साम्राज्य विस्तार, और उत्तर भारत में विलय की नीति, उत्तर भारत में विलय की नीति। देखिए आप यहां पे 1299 में गुजरात विजय, ठीक है, 1300-1301 में रणथंभौर,
1303 में चित्तौड़, 1305 में मालवा, 1305 में मालवा। अब जो आपको हैंडआउट दिया गया है या किताब में जब पढ़ेंगे आप, तो गुजरात में बघेल वंश का शासन था, कर्ण बघेला थे, देवल रानी, ऐसे करके दो तीन कैरेक्टर के नाम मिलेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पे कब्जा कर लिया। बहुत उपजाऊ इलाका था गुजरात, व्यापार के दृष्टिकोण से, हज जाने वालों के दृष्टिकोण से, हज यात्रा, ठीक है, और घोड़ों के आयात के दृष्टिकोण से गुजरात का बहुत महत्व था। तो एक आर्थिक रूप से बहुत फायदेमंद था ये, तो उसने जीता। गुजरात पर नियंत्रण बनाकर रखना है यदि दिल्ली से आपको, तो राजस्थान पे कंट्रोल होना चाहिए आपका। जब ये गुजरात अभियान से लौट रहा था, तो इसके सेना के कुछ सैनिक लूटे हुए माल का हिस्सा लेकर भाग करके रणथंभौर चले गए। ज्यादातर वही थे जो नौ मुस्लिम थे, मंगोल थे, लूटपाट उनका पीछा था। रणथंभौर के शासक हमीर देव थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मांग की, बट हमीर गांव ने शरणागत आए हुए लोगों को लौटाने से मना। फिर आक्रमण और रणथंभौर पे कब्जा, शासक थे हमीर देव। उसके बाद चित्तौड़ में राणा रतन सिंह थे। वैसे तो साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से ही प्रेरित होकर उसने अभियान किया था। राजस्थान के जो महत्वपूर्ण शासक हैं, जो महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, यदि वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ना तो दिल्ली सुरक्षित है आपका, ना गुजरात सुरक्षित है। तो यहां पे रतन सिंह को पराजित किया। वैसे कभी कभी कहा जाता है, रानी पद्मिनी की भी चर्चा मिलती है यहां पे, कि रानी पद्मिनी की सुंदरता के प्रति लेकर के बड़ा आसक्त था, ठीक है। बट ऐतिहासिक रूप से इस तरह की बातें बहुत इतिहासकार मानते नहीं हैं, लेकिन वहां समाज में बड़ा सम्मान है रानी पद्मिनी को लेकर के, लोगों में बड़ा एक सम्मान का भाव है। एग्जाम में ऐसी चीजें पूछी नहीं जाती हैं, कोई भी विवादास्पद प्रसंग एग्जाम में नहीं आता है, बट जब आप पढ़ोगे तो वह जिक्र भी आएगा। मालवा, ये इलाका हो गया आपका मालवा का, जो मध्य प्रदेश वाला इलाका है आपका, जो उज्जैन, इंदौर, भिलसा, चंदेरी, ये सब मालवा का इलाका हो गया। आपको याद होगा मालवा में परमार वंश का जिक्र किया था पूर्व मध्य काल में, राजा भोज। कहां राजा भोज, कहां गंगुतेली, है ना, धार, मांडू, इन सब जगहों पर उन्होंने जो स्थापत्य बनाए थे, उनकी कुछ किताबें बताई थी मैंने आपको, सामरांगन सूत्रधार, युक्त युक्त कल्पतरु, कंठाभरण वाणी विलास, सरस्वती के उपासक थे, भोज सर, ये सब आपके पिछले क्लास वाले नोट्स में आपको मिलेंगे, है ना, पिछले क्लास वाले नोट्स में आपको मिलेंगे। बहुत बेसिक सा एक रूल है, सफलता तो देखो बहुत बाद की बात है, सफलता जब एग्जाम देने जाएंगे तब उसके बारे में क्या सोचना है। रूल ये कि जब भी क्लास हो तो कम से कम पिछला क्लास तो पढ़ के ही आओ। ये मैं पहले क्लास से समझा रहा हूं और सभी क्लास के लिए मैं कह रहा हूं। देखो, आप जल्दी इस रेस में आगे जाओगे या थोड़ा टाइम लोगे, ये डिपेंड करता है कि जो सुझाव दिए गए हैं आपने उस पर कितना अमल। कुछ लोग इसमें आगे भागेंगे, सफर साथ हुआ, तो वो फिर समर्पण का अंतर आ जाता है। किसके अंदर वो समर्पण का, मतलब कौन इस तैयारी को पैशन मान के चल रहा है, कौन इस तैयारी को ड्यूटी मान के चल रहा है। जिसने जीने मरने वाला प्रश्न बना रखा है कि मुझे बनना ही है, तो वो तो मानेगा नहीं, वो करेगा। और जो मान के चल रहा है कि हाँ हम आज का टास्क पूरा कर लिए, ठीक है, ये भी तरीका, बट पैशन के साथ हो ये भी। फिर ऐसे करने पे क्या है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, जब आपका वो पैशन, वो जुनून आएगा तभी आप उसको संभालेंगे, चाहे वो 2 साल बाद आए, चाहे 3 साल बाद आए, चाहे 1 साल बाद आए, ठीक है। इसलिए बहुत जरूरी है बेसिक रूल।
जो घर पे तैयारी करते हैं, जो क्लास में आते हैं, दोनों के सिस्टम अलग होते हैं। आप क्लास एंड होते होते बहुत सारे विषयों पे पकड़ और कॉन्फिडेंस कैसे महसूस होगा जब आप क्लास नोट्स पे कमांड किए रहोगे? एक साथ कभी दो विषय चलते हैं, कभी तीन विषय चलते हैं, कभी कोई विषय, कोई बात नहीं। हर बार जैसे मान लो मैं आ रहा हूं दो बार तीन बार ब्रेक करके, तो आप रिविजन पे ध्यान दो ना, बचे हुए हिस्से को कंसोलिडेट कर लो आप, ठीक है? आपका टारगेट उधर होना चाहिए अपना, है ना? तो फर्क पड़ जाएगा। अदरवाइज ऐसे ना रिदम टूटता रहेगा आपका, ना बनाओगे आप तो हो तो जाएगा, फिर टाइम लगेगा आपको। तो फिर क्लास करने का जितना बड़ा एडवांटेज आपको मिलना चाहिए, या मेरे साथ जो क्लास की शुरुआत होती है और मैं एक सिस्टम बनाता हूं, उस सिस्टम का जो आपको एडवांटेज मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। जो एक बात मैं समझाता हूं कि तैयारी कैसे करें, उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। और थोड़े बहुत रिजल्ट में सुधार भी है हिंदी मीडियम के रिजल्ट में, आपने देखा होगा जो फाइनल सिलेक्शन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या पहले की तुलना में ज्यादा है, रैंक में भी कुछ स्टूडेंट्स वगैरह हैं ऊपर में। जो भी हो, एक्स वाई जेड ए बी सी डी से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात हमने कही थी ना कि धीरे धीरे धारणाएं टूट जाएगी कि रिजल्ट होने लग जाएंगे, क्योंकि अब एक होता ना एक्सट्रीम हो चुका है। अब पीटी में संख्या बढ़ेगी, लोग क्वालिफाई करेंगे उसको, अब सरकार के नजर में भी सारी बातें हैं, आयोग अपनी तरफ से कोई भेदभाव करती नहीं है, बट एक कॉन्फिडेंस बूस्टर तो थोड़ा सा होता ही है जब रिजल्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो है संख्या, पहले 100 में भी संख्या है, 100 से 200 में भी संख्या, नीचे तो संख्या रही रही थी, मतलब है ना, तो वो भी एक अच्छी बात है। बट आप लोग रिविजन का अपना ध्यान रखिएगा। चलिए, उत्तर भारत में और भी अभियान है, आप क्या करिएगा, अपने हैंडआउट से या किताब से यहां के शासकों का नाम नोट कर लीजिएगा, किसको पराजित किया था। बट पहले लिख दिया विलय, विलय का मतलब दिल्ली सल्तनत पर सीधे शासन होगा, दिल्ली सल्तनत इस पर सीधे शासन करेगी। अब जिसका गुजरात पे कब्जा है, जिसका मालवा पे कब्जा है, यदि वो मजबूत है तो फिर वो दक्षिण भारत की तरफ जाएगा ही जाएगा। ऑब्वियस है, अगला शिकार कोई होगा तो देवगिरी होगा, इसके बाद वारंगल होगा, फिर द्वार समुद्र होगा, फिर मदुरा होगा, ठीक है? अब आप लिखो दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत में, यहां लिखेंगे आप अधिराजत्व की नीति, अधिराजत्व की नीति, इसका मतलब है शासकों के द्वारा अधीनता स्वीकार करना, नजराना एवं सैन्य सेवा देना, लेकिन शासन करने के मामले में वो स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा उन्हें, ठीक है? समझ में आ रही बात सभी को? ऊपर था विलय की नीति, यहां है अधिराजत्व की नीति। लिखो आप पहला पॉइंट, दक्षिण भारत में चार राज्य थे, देवगिरी में यादव वंश, वारंगल में काकतीय वंश, वारंगल में काकतीय वंश, द्वार समुद्र में होयसल वंश, द्वार समुद्र के होयसल एवं मदुरा के पांडे। मदुरा के पांडे, ठीक है? अगला पॉइंट लिखो, 1307 से 1307, ठीक है, 1307 से 1313 के बीच मलिक काफूर नामक सेनापति के नेतृत्व में, मलिक काफूर नामक सेनापति के नेतृत्व में
नेतृत्व में इन राज्यों के विरुद्ध अभियान विरुद्ध अभियान अलग अलग हुआ, कोई 7 में, कोई 8 में, कोई 9 में, वर्ष में जाना नहीं है, क्रम यही रहेगा, पहले देवगिरी, फिर वारंगल, फिर द्वार समुद्र और फिर मधुरा, ठीक है, इसी क्रम में जीता गया इसे, ठीक है, ध्यान रहेगा, जैसे हमने राज्य का नाम लिखा है ना आपको, उसी क्रम में अलाउद्दीन खिलजी ने उसे जीता भी था। चारों अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर, ठीक है, बहुत खास अधिकारी था उसका, है ना, अभियान कौमा देखे लिखो आप, इन राज्यों ने सल्तनत की अधीनता स्वीकारी, ठीक है, इन राज्यों ने सल्तनत की अधीनता स्वीकारी, ठीक है, हमने समझा ही दिया, अधिराजा तो था, विलय तो था नहीं। तो अब आप देखो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आते आते दिल्ली सल्तनत कहां, गोरी के समय पंजाब से लेकर बंगाल तक शुरू हुई थी कहानी, अब वो तमिलनाडु रामेश्वरम तक पहुंच गया था मलिक काफूर, वहां के स्थानीय शासक अधीनता स्वीकार कर रहे हैं। जब आप किताब पढ़ोगे या नोट्स पढ़ोगे किताब में भी, तो अभियान के समय जो जो शासक थे उसका नाम इसमें लिख लिया करिएगा, ठीक है, केवल शासकों का नाम थोड़ा बहुत, ठीक है, तो वो ठीक रहता है, याद रहे ना रहे कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रहने दीजिए। अब राजनीतिक इतिहास में यूपीएससी थोड़ा आगे बढ़ रही है, तो हम भी कम से कम थोड़ा एक दायरा रखें अपने पास, है ना, क्लियर सभी को। इसके बाद हमने क्या लिया पॉइंट, सैन्य सुधार, नेक्स्ट पॉइंट लिखे आप, पहला पॉइंट लिखे इसमें, अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया, विशाल परमानेंट, है ना, स्थायी सेना का गठन, ठीक है, तो सबसे बड़ी सेना मानी गई है वैसे इसकी भी, ठीक है, 4-4.5 लाख के आसपास आर्मी का उल्लेख मिलता है, लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। दूसरा पॉइंट लिखें, सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की, सैनिकों को नगद वेतन देने की शुरुआत की, इसके पहले नकद वेतन नहीं मिलता था, सैनिकों को लूटपाट का हिस्सा मिल जाता था या कुछ भूमि के टुकड़े वगैरह, पहली बार इसने वेतन देना शुरू किया। आगे लिखें आप, सेना में दाग एवं हुलिया का नियम लागू किया, सेना में दाग, ठीक है, घोड़ों को दागा जाता था ताकि घोड़ों की पहचान हो सके, दाग एवं हुलिया का नियम, ठीक है, दाग एवं हुलिया का नियम, यानी सैनिकों का हुलिया मेंटेन किया जाता था, लाखों की सेना है कब किसको दिखा दिया जाएगा, पता चला सेना की गिनती हो रही, आज यहां गिनती हुई तो यहां दिखा दिया, कल वहां गिनती हुई तो वहां दिखा दिया, है ना, पैमानी तो होती थी, ठीक है, बट फिर भी कोशिश किया कि बेईमानी ना हो, है ना, तो अलाउद्दीन खिलजी को सैन्य सुधारों के लिए, इससे सुल्तान और राज्य की स्थिति मजबूत होनी है। अगला लिखिए आप, अमीरों पर नियंत्रण, अमीरों पर नियंत्रण, यहां लिखे आप कि दीवाने मुस्तखराज, दीवाने दीवान मंत्रालय को कहते थे, मैं लिख दे रहा हूं, दीवाने
मुस्त खराज, दीवाने मुस्त खराज नामक मंत्रालय का गठन अमीरों से बकाया की वसूली के लिए, जिसके पास जो पैसे हैं वो आने चाहिए, अमीरों से बकाया राशि की वसूली के लिए, ठीक है, बकाया राशि की वसूली के लिए लिख लिया आपने। नेक्स्ट लिखें, अमीरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गुप्तचरों का एक मजबूत नेटवर्क, गुप्तचरों का एक मजबूत नेटवर्क, ठीक है। हर अमीर डरता था कि हमने दूसरे को कोई बात कही तो कहीं ऐसा तो ना हो कि सुल्तान के पास ये बात पहुंच जाएगी। आगे लिखें आप, अमीरों के बीच वैवाहिक संबंधों अमीरों के बीच वैवाहिक संबंधों तथा शराब के सेवन को भी नियंत्रित करने का प्रयास किया। इसका मानना था ये सब रीजन कि अमीर आखिर विद्रोह क्यों करते हैं। एक तो पैसा खूब है उनके पास, तो पैसे की जांच करवाओ, इनकम टैक्स और ईडी की रेड पढ़ने दो। मैं बोल रहा हूं, पता चला मेरी ही पास टीम आ गई है ना, कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा इनका मानना था कि दो परिवारों में जब वैवाहिक संबंध होते हैं ना, तो फिर वो षड्यंत्र की योजना, जब मजबूत परिवार में तो नियंत्रण रखो। तीसरा, जब ये शराब पीते ना बैठ के, तभी ये योजना ज्यादा बनाते हैं। शराब पीने के समय मतलब कंट्रोल रहता नहीं है भाई, तू ही सुल्तान है अब तो। उसने कहा हाँ हाँ भाई सुल्तान है, सुल्तान को खबर मिली सुल्तान कोई और बन रहा है, ठीक है। तो शराब संबंधी गतिविधियों पर भी नियंत्रण, तो मतलब एक प्रैक्टिकल ही नहीं होता है, पर जिसे आइडिया कि क्या करना चाहिए, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है वो। तो बलबन ने भी कंट्रोल करने की कोशिश की थी अपनी तरह से, बट इसने भी इन सब उपायों से, ताकि अमीरों पे सुल्तान की पकड़ मजबूत बनी रहे। आगे लिखें आप, उलेमा के बारे में है ये, लेकिन अलाउद्दीन ने स्पष्ट शब्दों में यह घोषणा की कि राज्य के मामलों में सुल्तान का निर्णय सर्वोपरि होगा, न कि उलेमा का। यह पहला सुल्तान था जिसने हिम्मत दिखाई ये बात कहने की। आप धर्म के मामले को देखो, राज्य के मामले को मैं, ठीक है। तो कहा जाता है साम्राज्य विस्तार तो किया ही इसने, अमीर और उलेमा पे भी नियंत्रण बनाकर। अब
इन सुल्तान की समस्या क्या होती थी, अमीर उलेमा से नहीं पटना, ठीक। फिर रेवेन्यू चाहिए, रेवेन्यू के लिए आपको गांव की तरफ जाना होगा। हर गांव में या कुछ गांवों के समूह पर जमींदार होते थे, उसे खुत, मुकद्दम और चौधरी कहा गया है। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि भाई इनके पास भी पैसे बहुत हैं, और राज्य जो कहता है कि भाई तुम हमें इतना वसूल कर दोगे, उतना देते नहीं बल्कि अपने पास रख लेते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, इनको राजस्व वसूली की प्रक्रिया से ही हटा दिया, ठीक है, और सीधे रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू। इससे राज्य की आय भी बढ़ेगी और जो विद्रोही तत्व हैं उन पर नियंत्रण भी राज्य रख पाएगा, ठीक है। लिखें आप जरा आगे, पहले आप लिख लेंगे आप जरा इसी में कि खुद मुकद्दम चौधरी, आप समझ लीजिए जमींदार या मध्यस्थ वर्ग, ठीक है। खुद मुकद्दम चौधरी, जमींदार या मध्यस्थ वर्ग, लिख लें आप। अलाउद्दीन ने इन वर्गों को भू राजस्व की वसूली की प्रक्रिया से अलग किया, इन वर्गों को भू राजस्व की वसूली की प्रक्रिया से अलग किया, ये ज्यादातर सब हिंदू हैं, जमींदार हैं, ठीक है, किसानों से वसूल कर राज्य को देते थे। हम यहां एक नजरिए से देख रहे हैं सुल्तान या राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या कदम, उसी में तथ्य भी आते जा रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात सभी को, मतलब एक घटना को देखने का कई और नजरिया होता है, इसको हम कहीं और भी देख सकते हैं, है ना। तो ऑप्शनल की जब क्लासेस वगैरह होती थी तो अलग अलग एंगल से देखते थे हम, ठीक है, इसको कैसे देखा जाए, बट यहां पे आपकी एक समझ बन जाए सुल्तान कैसे मजबूत हो रहा है इन उपायों के द्वारा, या राज्य को कैसे मजबूत बनाया जा रहा है इन उपायों के द्वारा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है तो तथ्यों को याद रखने में आसानी हो जाती है, समझते हुए याद रखना ठीक रहता है थोड़ा। बस नोट करके दो पॉइंट और लिख लें इंफॉर्मेशन। अलाउद्दीन खिलजी ने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, ठीक है, द्वितीय सिकंदर की उपाधि ली थी इसने कि मैं दूसरा सिकंदर हूं। ये कहता था मुझे पूरी दुनिया को जीतना है, फिर किसी ने समझाया कि भाई पहले तुम हिंदुस्तान के इलाकों को जीत लो अभी, तब आगे चलेंगे हम। तुम बात ऐसे नहीं समझाता था, सुल्तान कह रहा है ना भाई, तो फिर समझाया जाता था अभी ये सब राज्य हैं इनको जीतते हैं फिर हम लोग आगे। तो समझाने वाले को तो पता ही था कि भाई कितना जीवन काल रहेगा, तो दुनिया को जीतने चलो, पहले हिंदुस्तान को जीत लो अभी, तुम बहुत सारे राज्य हैं, क्षेत्र हैं ना। तथा एक नए धर्म चलाने की योजना बनाई, एक नया धर्म चलाने की योजना बनाई, हालांकि प्रारंभ नहीं कर पाया। ठीक है, प्रारंभ नहीं कर पाया। एक सलाहकार ने कहा कि भाई अभी आपको बहुत काम करना है, उसके बाद हम लोग धर्म के बारे में, ये नहीं कहता था शुरू मत करो, ये गुनाह कर रहे हो तुम, है ना, सब सुल्तान है ना, कब गुस्सा आ जाए उसे, अभी बहुत सारे काम है, उसके बाद हम इस पे
ठीक है, जिक्र मिलता है, अमीर खुसरो भी इसका जिक्र करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका राजनीतिक क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या उपाय कार्य किए। अब लिखे आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में पहला है आय में वृद्धि। अब देखो दो काम से तो आय वैसे बढ़ जाएगी, जैसे आपने मध्यस्थों को हटा दिया है, सीधे वसूलोगे, बकाया वसूलने के लिए आपने मंत्रालय बना दिए हैं, इन सबसे भी राज्य की आय बढ़ेगी। तो आय में वृद्धि के लिए और क्या क्या करते हैं, लिख लें पॉइंट, पहला पॉइंट लिखें आप, गंगा यमुना दुआब क्षेत्र में भू राजस्व की दरों को बढ़ाकर 50% किया। ठीक है, 50% किया, एक तिहाई से किया था ये, है ना, 1/3 से बढ़ाकर। गंगा यमुना दुआब उपजाऊ इलाका है, ठीक था। दूसरा पॉइंट लिखें, देखिए लूट जैसे अभियान कहीं होता था लूटपाट, तो उससे जो आय होती थी, लिखें आप, लूट से प्राप्त आय ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप खुम्स, लूट से प्राप्त आय, ठीक है, लूट से प्राप्त आय में 80% सैनिकों में बांटा जाता था और 20% राज्य को जाता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे उलट दिया, देख लें आप, अलाउद्दीन ने इसे परिवर्तित किया और 80% राज्य को मिलने लगा। बोला कि अब सैनिकों को वेतन दे ही रहे हैं तो फिर अब लूट का हिस्सा क्यों, रिवर्स कर दिया इसने। ये पहला साझा, इसके पहले ऐसा नहीं हुआ था अभी तक। नेक्स्ट लिखें आप, राजस्व मुक्त भूमि अनुदान, राजस्व मुक्त भूमि अनुदान, को रद्द किया। भूमि अनुदान को रद्द किया, किसी विद्वान से या किसी अधिकारी से प्रभावित होकर उसे राजस्व मुक्त भूमि अनुदान, ठीक है, उसमें अलग अलग नाम है इसके, आप जैसे लिख लीजिए आप, इनाम, मिल्क, वक्फ इत्यादि। इनाम, मिल्क, वक्फ इत्यादि, ठीक है, अलग अलग मकसद, किसी मस्जिद को दान में दिया गया है, किसी विद्वान को दान में दिया गया है, ठीक है, दे दिया गया तो आपको रिवेन्यू नहीं देना है आपको। अलाउद्दीन खिलजी ने अब तक जितने भी ऐसे दान दिए गए थे घोषणा की कि सारे दान ये सब रद्द किए जाते हैं, सब राज्य की भूमि होगी। तो आय में वृद्धि के लिए ये सब उपाय कर रहा है और उसी का एक हिस्सा है बाजार नियंत्रण नीति। लिखिए आप जरा, शीर्षक दे दीजिए, बाजार नियंत्रण नीति।
बेसिकली क्या है, कीमतों को नियंत्रण करना। तीन प्रकार के बाजार थे, ऐसा क्यों किया, कैसे नियंत्रित करता था, ये दो तीन बातों को जानना है हमें। लेकिन हम जरा बाजार नियंत्रण नीति में ठीक है, साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर बाजार नियंत्रण नीति को प्रारंभ किया। ब्रैकेट में लिख लें आप, कम खर्चों पर विशाल सेना का गठन। कम खर्चों पर विशाल सेना का गठन ठीक है लागू किया, कम खर्चों पर विशाल सेना का गठन, ये एक पहलू हो गया आपका। आगे लिखें, तीन प्रकार के बाजार, तीन प्रकार के बाजार लिख लें आप, अनाज, जो अनाज के बाजार होते थे उसे मंडी कहा जाता था। आज भी बाजार को देखेंगे आप मंडी कह के, दिल्ली में भी देखेंगे जैसे आजादपुर पास में आजादपुर मंडी, सब्जी वगैरह का भी काम होता है, बट बाजार के लिए वहां मंडी वर्ड उसने यूज किया गया उस समय। मवेशियों का बाजार, पशुओं का बाजार, अनाज, पशुओं का बाजार एवं अन्य वस्तुओं का, अन्य वस्तुओं का बाजार, उसके लिए सराय अदल, सराय अदल एक वर्ड यूज किया गया है ठीक है। तीन प्रकार का बाजार। आगे लिखें आप, देखिए भू राजस्व के रूप में अनाज की वसूली को भी महत्व दिया। ठीक है, वसूली को भी महत्व दिया तथा किसानों को यह निर्देश कि अधिशेष अनाज को राज्य से बेचें, राज्य को बेचें। अधिशेष अनाज को राज्य को बेचें ठीक है, मतलब जो बच गया आपके पास जरूरतों के हिसाब से, आप बाजार में कहीं नहीं बेचना है, हम खरीद लेंगे। अब ये सब तो दिल्ली के आसपास एरिया में ही संभव है ना, पूरे हिंदुस्तान में तो संभव नहीं था उस समय। ना तो कोई सड़कें ऐसी थी, ना रेलवे ट्रैक था, ना इंटरनेट था, बट कोशिश करी इसने, एक तो ये बात हो गई। लिखें, साथ ही कुछ भंडार गृह का भी निर्माण कराया। साथ ही कुछ भंडार गृह का भी निर्माण कराया ठीक है। तो जैसे अनाज जहां रखा जाए, एक तो ये हो गया। अगला पॉइंट लिखें, तीनों बाजारों से मध्यस्थों
या बिचौलियों को अलग किया, ठीक है, कोई भी बिचौलिया नहीं होंगे, मतलब जो कीमत बढ़ा देते हैं, बेचने वाला और खरीदने वाला होगा, बिचौलिया कोई नहीं होगा। नेक्स्ट लिखें आप, राज्य के द्वारा सभी कीमतों का निर्धारण ठीक है, राज्य के द्वारा सभी कीमतों का निर्धारण, जितनी भी कीमतें हैं मतलब सब राज्य के द्वारा निर्धारित, पशुओं का हो, अनाज हो, सबका तय कर दिया गया था कौन क्या कैसे बिकेगा, लागत का ध्यान रखता था वो निर्धारित करने में। आगे लिखें आप, दीवाने रियासत नामक एक वाणिज्य मंत्रालय का गठन, दीवाने रियासत, रियासत नामक एक वाणिज्य मंत्रालय का गठन, ठीक है, इसी में लिखें, प्रत्येक बाजार के लिए एक अधीक्षक, प्रत्येक बाजार के लिए एक अधीक्षक या शहना की नियुक्ति, शहना, ठीक है, सब जगह सुपरिटेंडेंट, एक इंस्पेक्टर या जो हेड था उसको बैठा दिया गया, ठीक है, शहना कहते थे उसको, एक मंत्रालय बनाया सब देख रेख करने के लिए, फिर हर जगह एक अधीक्षक सुपरिटेंडेंट की नियुक्ति कर दी गई। लेकिन साथ ही गुप्तचरों, ब्रैकेट में लिखेंगे आप, बरीद, मुनिया, बरीद, मुनिया, साथ ही गुप्तचरों के माध्यम से बाजार पर नजर रखता था, गुप्तचरों के माध्यम से बाजार पर नजर रखता था, ठीक है, बरीद, मुनिया, है ना, इस तरह से जैसे किसी को भेजा कि जाओ भाई कुछ वजन करवा के ले आओ, 250 ग्राम, 500 ग्राम, है ना, पता चला जो बेचने वाला उसने 100 ग्राम कम वजन कर दिया, तो भाई वो आके कंप्लेन किया तो सुल्तान आदेश देता था कि उसके शरीर से 100 ग्राम मांस निकाल लिया जाए, एक ही बार में फिर दोबारा कोई कम, कुछ कुछ व्यवस्था तो इतना ठीक है ना, मतलब भाई उस हिस्से से निकालो जहां उसको नुकसान ना हो, अब तो मेडिकल टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, बट एक बार ऐसा कुछ तो फिर लोगों में एक भय पैदा हो जाता है, ठीक है, तो इस तरह से वो पूरे कार्यक्रम को निपटाता था वो, ठीक है, तो जब तक ये जीवित रहा ये सिस्टम भी उसका चलता रहा, उसका ये था कि ऐसा सिस्टम बना दो ना, जैसे रियायती दुकानें होती है ना सेना के लिए, मतलब तो एकदम से सेना के लिए तो इसने घोषित नहीं किया था, बट मेन मकसद यही था, तो सरकारी कर्मचारी हैं जो सेना, जिनको हम वेतन देते हैं, हम उनको रियायती दर पर चीजें मिल जाए जिससे वो समर्पित होकर के काम, ठीक है, तो मेन अपने ही मकसद है, चूंकि राज्य है, कोई कल्याणकारी राज्य तो है नहीं, ठीक है, तो ये नोट करके लिख लें आप यहां पर, लिखें इसका प्रसार दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में माना गया है, और अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात
और अलाउद्दीन खिलजी के पश्चात यह नीति छोड़ दी गई या समाप्त हो गई। ठीक है, तो ऐसे एक इंफॉर्मेशन। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया हमने। खिलजी का जो लास्ट प्लेयर है, लिख लें आप, बस केवल नाम ही लिखना है इसका, कुतुब मुबारक खिलजी। तेरह सौ सोलह से 1320, ठीक है। एक दो बातें हैं इसके बारे में भी लिखिए। एक लिख लीजिए आप कि देवगिरी का पूर्णतः विलय दिल्ली सल्तनत में, देवगिरी का पूर्णतः विलय दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। देवगिरी याद आ रहा है सभी को, कहां पे था? पूरी तरह से। अलाउद्दीन ने तो केवल कहा आधी राजा, तो इसने कहा पूरी तरह से विलय कर लिया। एक और लिख लें, इसने उपाधि धारण की थी, मैं ही खलीफा हूं। इसने उपाधि ली थी, मैं ही खलीफा हूं। खिलाफतुल्लाह करके ऐसे उपाधि थी इसकी, यानी मैं ही खलीफा हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने भी उपाधि धारण की थी, खलीफा का डिप्टी हूं मैं। यामिन उल खिलाफत नसीरी अमीर उल मोमिनीन, ऐसे करके इन सब का एक मतलब होता है, यानी डेप्यूटी ऑफ खलीफा एक तरह से। तो थोड़ा इसके लिए मतलब थोड़ा बरबोला टाइप का शासक था ये, मतलब मैं ही हूं खलीफा, मतलब है ना। कुछ मलिक कापूर ने इसे समझाया था ठीक से, बट ये बच गया किसी तरह से, वरना सब की खिलाफत उसने सेट कर रखी थी मलिक कापूर ने, लड़ाई वर सत्ता को लेकर के। इसका भी एक करीबी था, हत्या इसकी भी हो जाएगी, और खुसरो खान नामक एक भारतीय मुसलमान है, कुछ दिनों कुछ महीनों के लिए शासन करेगा, बट भारतीय मुसलमानों की नहीं चलती थी इनके आगे, ये सब एक हो जाते थे। और इसके बाद फिर तुर्कों तुगलक की सत्ता आ जाएगी, गयासुद्दीन तुगलक की, यानी खिलजी वंश का ये आखिरी शासक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में, ठीक है। तो आज की सेवा यहीं पर समाप्त हो जाती है, है ना। राजनीतिक घटनाक्रम है, एक ट्रेंड सेट कर दिया है मैंने, आप सब लोग रिविजन कर लीजिएगा, किताब से पढ़ लीजिएगा। आज क्या हम लोगों ने पढ़ा? दिल्ली सल्तनत में शुरुआती कुछ टर्म मैंने बताया आपको, ठीक है। एक, उसके बाद हम लोगों ने बात की गुलाम वंश के बारे में, अलग अलग शासकों के बारे में, उसमें भी समझो आप तीन शासकों के बारे में ठीक से, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया भी मान लो और बलबन भी मान लो। खिलजी में भी तीन शासक, उधर तो 11 थे, इसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने विस्तार से बातचीत। अगली क्लास में ऐसे ही आगे बढ़ते हुए आपका तुगलक, सैयद में कुछ भी नहीं पढ़ना है, हैंड आउट लेके आइएगा साथ में, लोधी, दिल्ली सल्तनत का पतन, प्रशासन, मंगोलों का आक्रमण, ये सब राजनीतिक घटनाक्रम कवर हो जाएगा। ये बहुत ज्यादा नहीं है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी है। और फिर हम लोग सामाजिक आर्थिक इतिहास को भी कवर, जैसे खत्म होगा सामाजिक आर्थिक इतिहास, फिर हम एक डेढ़ क्लास लगेगी सांस्कृतिक इतिहास पे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।